ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्या है? ये सब क्या है? सर, ये पिछले साल के कंस्ट्रक्शन कंपनी के टैक्स हैं। लेकिन इतना टैक्स? साल भर दिन रात मेहनत हम करें और ये इनकम टैक्स वाले फावड़ा लेकर आए और सारा पैसा एक झटके में उठाकर चले जाए। अरे यार करोड़िया, इतना टैक्स देना पड़ा ना तो अगले साल मुझे कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। भीख है? सर, ये कॉर्पोरेट टैक्स है। ये आपकी उन कंपनियों के टैक्स हैं जो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा। बस, टैक्स का मामला है, धीरे से और प्यार से समझाइए। सर, काफी रात बीत चुकी है और बाहर तूफानी बारिश भी हो रही है। बाकी काम कल कर लीजिएगा, घर में मालकिन आपका इंतजार कर रही है। जा रही हो सुमन? मंदिर, अपने चिराग को देखने। सुमन बस करो, 10 साल से देख रहा हूँ, सुबह शाम तुम भगवान के सामने प्रार्थना करती हो, दिया जलाती हो, क्या फल मिला इसका? अपने तकदीर में औलाद का सुख नहीं है सुमन? नहीं, आज मेरी प्रार्थना मेरी तपस्या की परीक्षा है। आज मैं देखना चाहती हूँ कि पिछले 10 सालों से लगातार जो चिराग मैं भगवान के सामने जला रही हूँ, वो आज इस तूफानी हवा के झोंकों में भी जलता रहता है या बुझ जाता है। अगर वो बुझ गया तो मैं समझूंगी मेरी आशा का चिराग भी बुझ गया, मेरी गोद कभी आबाद नहीं होगी। और अगर वो जलता है तो मुझे मेरे विश्वास और मेरी प्रार्थना का फल जरूर मिलेगा। दादा, जब से हम यहाँ आए हैं, देख रहे हैं कि हर रोज मलकिन इसी समय आंसू लिए देवी माँ के चरण में दिया जलाती है। ऐसा क्या दुख है उन्हें? क्या बताएं बिटिया, हमारे मालिक के पास दुनिया भर की दौलत है, मगर भगवान औलाद का दौलत से बिल्कुल गरीब कर दिया। ओह, ये क्या है? ये सब क्या है? सर, ये पिछले साल के कंस्ट्रक्शन कंपनी के टैक्स हैं। लेकिन इतना टैक्स? साल भर दिन रात मेहनत हम करें और ये इनकम टैक्स वाले फावड़ा लेकर आए और सारा पैसा एक झटके में उठाकर चले जाए। अरे यार करोड़िया, इतना टैक्स देना पड़ा ना तो अगले साल मुझे कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। भीख है? सर, ये कॉर्पोरेट टैक्स है। ये आपकी उन कंपनियों के टैक्स हैं जो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा। बस, टैक्स का मामला है, धीरे से और प्यार से समझाइए। सर, काफी रात बीत चुकी है और बाहर तूफानी बारिश भी हो रही है, बाकी काम कल कर लीजिएगा, घर में मालकिन आपका इंतजार कर रही है। जा रही हो सुमन? मंदिर, अपने चिराग को देखने। सुमन बस करो, 10 साल से देख रहा हूँ, सुबह शाम तुम भगवान के सामने प्रार्थना करती हो, दिया जलाती हो, क्या फल मिला इसका? अपने तकदीर में औलाद का सुख नहीं है सुमन? नहीं, आज मेरी प्रार्थना मेरी तपस्या की परीक्षा है। आज मैं देखना चाहती हूँ कि पिछले 10 सालों से लगातार जो चिराग मैं भगवान के सामने जला रही हूँ,
वो आज इस तूफानी हवा के झोंकों में भी जलता रहता है या बुझ जाता है। अगर वो बुझ गया तो मैं समझूंगी मेरी आशा का चिराग भी बुझ गया, मेरी गोद कभी आबाद नहीं होगी। और अगर वो जलता है तो मुझे मेरे विश्वास और मेरी प्रार्थना का फल जरूर मिलेगा। चिराग चल रहा है, इसका मतलब मेरे विश्वास और प्रार्थना का फल मुझे जरूर मिलेगा। हमारा घर खुशियों से खिल उठेगा। मैं माँ बनूंगी, मैं माँ बनूंगी, मैं माँ बनूंगी, मैं माँ फाड़कर क्यों देख रहे हो? मैं सठिया नहीं गया हूँ, खुशी से पागल हो गया हूँ। क्या बात है मालिक, जिंदगी में पहली बार आपको इतना खुश देखा है। कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है का? अरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। मेरे घर में वो दौलत आ रही है जिस दौलत के लिए सुमन 10 साल से भगवान के सामने आंसुओं के चिराग जला रही थी। अरे उल्लू के बट्ठो, तुम्हारी मालकिन माँ बनने वाली है। माँ भगवान त्यावर रामचंद्र की। महेश, अरे सुधाकर, अरे यार तुम्हारे ऑफिस फोन किया तो इस खुशखबरी का पता चला। अच्छा, हम तो खुशखबरी सुनते ही पागल हो गए। अरे इतने पागल हो गए कि गाड़ी में आने की बजाय पैदल चले आए। जानते हैं कल रात की फ्लाइट से हम दोनों लंदन जाने वाले थे भाई साहब। कोई नहीं लंदन जाएगा, कोई नहीं लंदन जाएगा। लंदन गया ना तो दोस्ती खत्म। आज तो जश्न का दिन है मेरे भाई। अरे भाई जरा ढोल बजाओ ना। अरे सुनिए सुनिए, लेकिन भाभी जी कहाँ है? मंदिर में। सुमन सबर करो, बस आ गए, आ गए हॉस्पिटल। नर्स जल्दी आओ, नर्स। डॉक्टर, लड़का हुआ है। आई एम सॉरी। अरे महेश, मुबारक हो। क्या हुआ? अरे तू बाप बन गया महेश। अरे लड़का हुआ है महेश। नर्स ऑक्सीजन। अभी इन्हें होश में आने और नॉर्मल होने में आधा घंटा लगेगा, तब तक तुम बच्चे को क्लीन और ट्रीट करके ले आओ। नो 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 नो,
अभी हम तुमको तुम्हारे मम्मी के पास लेके जाएंगे। सिस्टर, ये बच्चा वार्ड नंबर 3 बेड नंबर 2 का है, इसे चेंज करके बैच लगा के तैयार करो। आई हैव टू रश बैक। रश बैक? वो काहे को? इसकी माँ डिलीवरी के टाइम पे ही मर गई। ओह माय गॉड। हेलो, फायर ब्रिगेड ऑफिस, यहाँ सर्वोदय हॉस्पिटल में आग लग गई है। ये क्या हुआ? अरे भाभी जी, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा। आग, आग, हॉस्पिटल में आग लगी हुई है, कहीं आग में मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। अरे मुझे जाने दो, हमारे घर भाभी जी चलो भैया, हमें छोड़ो प्लीज। सिस्टर, सुजी को जल्दी से कैजुअलिटी में ले चलो। यस डॉक्टर। मेरा बच्चा कहाँ है? आप लोग उसे लाते क्यों नहीं है मेरे पास? आखिर बात क्या है? मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो ठीक तो है ना? मैडम, असल बात ये है कि सुबह जो एक्सीडेंट हुआ था, उस गड़बड़ में आपका बच्चा दूसरे बच्चे के साथ मिक्स हो गया है, और उन बच्चों में से आपका बच्चा कौन सा है इसका फैसला नहीं हुआ। क्या मिक्स हो गए? मतलब जिस वक्त आपकी पत्नी ने बच्चा डिलीवर किया, ठीक उसी वक्त वार्ड नंबर 3 में एक दूसरी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को माँ बाप का नाम और वार्ड का बिल्ला लगाया जाता है, लेकिन फायर एक्सीडेंट के कारण नर्स बच्चे को बिल्ला न लगा सकी, और उनकी जान बचाने के लिए उनको कंबल में डालकर वार्ड से बाहर ले आई। तो ये कि अब पता लगाना मुश्किल हो गया है कि कौन सा बच्चा आपका है और कौन सा उस औरत का। ये खामखा राई का पहाड़ बना रहे हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात है? दोनों बच्चों को मेरी पत्नी के सामने रख दो, वो झटके में पहचान लेगी कि हमारा बच्चा कौन सा है। आपकी पत्नी भी नहीं पहचान पाएंगी, क्योंकि डिलीवरी के वक्त उनकी हालत ठीक नहीं थी और इसलिए उन्हें बच्चा दिखाया नहीं जा सका। तो वो दूसरी औरत को दोनों बच्चे दिखा दो, वो अपना बच्चा पहचान लेगी। वो औरत बच्चे को जन्म देते ही मर गई। अरे उन बच्चों को किसी ने तो देखा होगा? सिर्फ दो नर्सें थी। हाँ। जो इस पूरे केस को हैंडल कर रही थी। हाँ, तो बुलाओ उन दोनों नर्सों को। बुलाओ। पीजिए एक नर्स तो खुद ही आ गई। सिस्टर लीला, बच्चों को तुम और सिस्टर सुजी ही ट्रीट कर रही थी ना? जी नहीं, मैं तो दोनों बच्चों को लेबर रूम से लेकर आई थी, मगर उसके बाद सिस्टर सुजी उन्हें ट्रीट कर रही थी। हाँ, तो सिस्टर सुजी को बुलाओ ना। सॉरी सर, सिस्टर सुजी फायर एक्सीडेंट में बुरी तरह जल गई, उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले दम तोड़ दिया। What? वो भी मर गई? डॉक्टर, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। महेश, नहीं तो मैं इस हॉस्पिटल पर केस करूंगा, तुम सब लोगों को जेल भिजवा दूंगा और अपना बच्चा लेकर ही रहूंगा। साइलेंस साइलेंस। अरे शदाब, मेरा बच्चा गवा दिया और ऊपर से कहती है साइलेंस साइलेंस। चला सुधाकर, तू एक काम कर, मेरा जो वकील है ना मिस्टर माथुर, उनको जल्दी से बुला कर ला। महेश, तू अभी तू जा, मैं इनको देखूंगा, अभी छोड़ूंगा नहीं। महेश, देखो डॉक्टर, तुमने दोनों बच्चों की ब्लड टेस्ट करवाई? नो सर। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? दोनों बच्चों की ब्लड टेस्ट करवाओ, जो ब्लड मेरी और मेरी पत्नी से मिलता होगा वही मेरा बच्चा होगा। कराओ ब्लड टेस्ट। ओके सर। नर्स। यस डॉक्टर। दोनों बच्चों को ले जाओ, उनकी तसल्ली के लिए दोनों का ब्लड टेस्ट मालूम कर लो। तसल्ली क्या, इट्स अ मेडिकल टेस्ट। हां हां मिस्टर महेश। Thank you.
क्या हुआ? मिल गई रिपोर्ट? थैंक यू। बी ग्रुप आरएच नेगेटिव। ये तो मेरा ब्लड ग्रुप है और यही उस बच्चे का ब्लड ग्रुप है जो मेरा है। कहाँ है वो बच्चा? लाओ जल्दी। जरा इसे भी देखिए। क्यों? देखिए तो सही। बी ग्रुप आरएच नेगेटिव। कमाल है। लेकिन नहीं, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मेरे नुकसान का इतना बड़ा दावा करूंगा कि अस्पताल नीलाम हो जाएगा, पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा ये अस्पताल। देखते रहो अभी। आओ आओ आओ। और माथुर साहब, देखो मेरे साथ कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। जानता हूँ, मिस्टर सुधाकर ने मुझे सब कुछ बता दिया। माथुर साहब कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। महेश, कानून इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अरे कैसी बात कर रहे हो माथुर साहब? इन हॉस्पिटल वालों की लापरवाही ने मेरे बच्चों को मिक्सअप कर दिया और आप कहते कानून कुछ नहीं कर सकता? अरे ये तो सरासर धोखा है, चीटिंग है। ये चीटिंग नहीं, एक्सीडेंट है। हाँ। और एक्सीडेंट में बच्चे मिक्सअप हो गए, और बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बच्चे तो मौजूद है ना। हाँ, हाँ, अगर बच्चों को कुछ हो जाता हाँ। तो हम हॉस्पिटल पर केस कर सकते थे। अब आप एक काम कीजिए, उस दूसरे बच्चे के बाप के साथ बात कीजिए। हाँ। उसके साथ सेटलमेंट करके अपना बच्चा ले लीजिए। फैसला हो गया है भाई साहब, हम डॉक्टर से कहकर इन दोनों बच्चों को घर ले चलते हैं। 4-6 रोज के बाद जब दूसरे बच्चे का पिता आ जाएगा तो हम उनसे भी बात कर लेंगे। भगवान तब तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। देखिए मिस्टर महेश, इन बच्चों को आप इस तरह नहीं ले जा सकते। आपको एग्रीमेंट पेपर पर लिख कर देना होगा कि आपके पास जो दूसरा बच्चा है उसको अगर कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इंस्पेक्टर, पेपर्स तैयार हैं। ठीक है, दोनों बच्चों की बराबर जिम्मेदारी आपकी है। दूसरे बच्चे के बाप के आ जाने तक बच्चे के सरपरस्त आप हैं। ए, अंदर किधर जाता है तुम? ए, ठहरो, अंदर कहाँ जाता है तुम? किससे कह रहा हूँ? तुमसे कह रहा हूँ। ए, जबान होश में और आप काबू में रखो। जिस तरह तुम इस बंगले के चौकीदार हो, हम देश के चौकीदार हैं, इसलिए अपनी औकात में रहो। लेकिन सर कौन हो तुम? कौन है आप? तकदीर की तरह आंखें भी फूटी हुई हैं। ये वर्दी दिखाई नहीं देती, ये मेडल दिखाई नहीं देते। हम मेजर बगावत सिंह हैं। जिस्म कड़क कर, खड़क से सवाल मारो। अब पूछो कौन है आप सर? इधर खड़ा रहा। तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? महेश मल्होत्रा। तो जाओ उनसे कहो हम मिलने आए हैं। जाओ। हे चक्रधारी, दुनिया का हर चक्कर तेरे ही चक्कर से चलता है। तकदीर का चक्कर भी तू ही चलाता है। कोई ऐसा चक्कर चला दे कि इन दौलत वालों का दिल पिघल जाए और इस गरीब का बच्चा इसी बंगले में रह जाए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मांग रहा हूं इस बच्चे के लिए मांग रहा हूं। तो समझा प्रभु, इतना चक्कर चला देना तो इतना काम कर देना प्रभु। ए, कौन है तू? मेरा नाम नहीं सुना आपने? मेजर बगावत सिंह। बगावत सिंह जी? कौन बगावत सिंह? अच्छा है? कौन बगावत सिंह? अस्पताल से मेरे बेटे को ले आए हो और बाप से पूछते हो कि कौन बगावत सिंह? तुम उस बच्चे के बाप हो? नहीं तो क्या बच्चा मेरा बाप है? अरे वाह 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 वाह। अरे सुमन जल्दी आ जा। आओ आओ जल्दी आ जाओ। आ रही हूं। ये मेजर साहब है, इनका नाम है बगावत सिंह, ये दूसरे बच्चे के बाप है। नमस्ते भाई साहब। आप शायद? मैं सुमन, इन दोनों में से एक बच्चे की माँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते। भाई साहब, आप तो अपने बच्चे को पहचान लेंगे ना? हाँ पहचान लेंगे ना मेजर साहब, अवश्य पहचान लेंगे। फौजी हूँ, सिपाही की निगाह रखता हूँ। जब आंख बंद करके सरहद पर दुश्मन को पहचान लेता था तो क्या आंख खुली रखकर अपनी औलाद को नहीं पहचान सकता? और मैं क्या, वो खुद मुझे पहचान लेगा? मुझे देखते ही उछल पड़ेगा और चिल्ला कर कहेगा ये रहा मेरा बाप। अरे वाह, इतना छोटा सा 12 इंच का बच्चा इसे देखते ही उछलने कूदने लगेगा, पहचान भी लेगा। फिर मेरे बच्चे ने मुझे क्यों नहीं पहचाना? वाकई तुम्हारा बच्चा तुम्हें पहचान लेगा। बातें करके ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। बच्चे पेश करो। लो आ गए। अब देखो बच्चे कैसे पहचाने जाते हैं। चुटकियों में पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा किसका है। ये नौजवान फौजी जनरल। आओ जनरल, कम टू योर फादर। अपने बाप के पास आओ, अपने बाप के पास आओ, अपने बाप के पास। अरे ये रो रहा है, इसने मेरे पास सुसु भी कर दिया। जी जी जी,
ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा तुम्हारा है। हाथ कहाँ पहुंचू मैं? ये है मेरा शेर, मेरा फौजी जवान। शाबाश, वाह, किसकी आंखें बता रही है? ये फौजी जनरल है, जवान। आगे बढ़े राव, विजय। क्या यार, अरे सब भिगा दिया। ये दोनों की मिली भगत लगती है। मिली भगत और बगला भगत गई भाड़ में, पहचाना क्या? नहीं नहीं यार, देखो ना, पूरा भिगा दिया। क्यों? बहुत डिंगे मार रहे थे कि बच्चा मुझे देखते ही कूद पड़ेगा, उछल पड़ेगा। अब क्या हुआ? अब नहीं उछला तो मैं क्या करूं? मैं बच्चे के पैर में स्प्रिंग लगा दूं क्या? मेजर हो ना, आग बंद करके दुश्मन को पहचान सकते हो, सामने रखे हुए बच्चे को नहीं पहचान सके? तो तुम कैसे बाप हो? चार दिन से बच्चा घर में पड़ा हुआ, तुमने कैसे नहीं पहचाना? अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? बच्चों का फैसला करने के बजाय खुद बच्चों की तरह लड़ने लग गए। महेश, सुना है दूसरे बच्चे का बाप भी आया हुआ है? ये क्या है? ओहो, तो आप हैं दूसरे बच्चे के बाप जी? आपने तो पहचान लिया होगा कि आपका बच्चा कौन सा है? नहीं साहब, मैं नहीं पहचान सका। हा? फिर फैसला कैसे होगा? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। क्या है? जब तक इन दोनों बच्चों का फैसला नहीं हो जाता, इनको यही रहने दीजिए। अरे क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे महेश, भाभी को अपनी बात तो पूरी करने दे यार। हाँ भाभी। भाई साहब, सुना है बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनकी शक्ल, नाक, नक्शा, रंग या तो उनकी माँ पर जाता है या बाप पर, और उनके हरकतों में भी माँ बाप की झलक नजर आती है। क्यों ना हमें काम करें, इनको यही रखें, और जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे पहचानना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। सुमन, कितने दिन हम दूसरे के बच्चे की परवरिश करते रहेंगे? इतना लंबा इंतजार मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अरे मैंने जिंदगी में कभी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया जिसको मिलने में महीने भर का इंतजार करना पड़ता हो, और अपने बच्चों को पाने के लिए परसों इंतजार करूं? इम्पॉसिबल। फैसला आज ही होगा। कैसी बात कर रहा है तू? कैसे करेगा फैसला? ये कोई खाने की बात नहीं है, ये बच्चे हाँ। और तेरा सिक्का नहीं जो उछाला और चिटपट करके मालूम कर लिया? अब सुन हाँ। तुझे याद है ना उस पुलिस ऑफिसर ने क्या कहा था? क्या कहा? कि अगर बच्चों की परवरिश में कोई कमी हुई हाँ। तो पुलिस बच्चों को उठाकर ले जाएगी, और अगर मेजर ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी और पुलिस ने बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया तो बरसों मुकदमा लड़ना पड़ेगा। हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, तब भी हमें अपने बच्चे नहीं मिलेंगे, इसलिए तू भड़क मत। हाँ तो मेजर साहब, ऐसी हालत में आपकी क्या राय? मुझे तो बहन जी की बात बिल्कुल सही लगती है। जब तक इन बच्चों की शक्ल, सूरत और हरकत का पता नहीं चलता है, मेरे ख्याल बच्चों को यही रहने दिया जाए। वेरी गुड, इन्हें भी मंजूर है? हाँ बोलना। हाँ मंजूर है। वेरी गुड। अब मेरी एक शर्त है। क्या? सुनो, शर्तें सुनो, जाओ। एक शर्त और है आपकी? जाहिर सी बात है, बच्चों की परवरिश और उनकी ट्रेनिंग की टाइमिंग का फैसला तो हुआ ही नहीं। मैं भी चाहूंगा इनकी तरह अपने बच्चे की परवरिश अपने हाथ से, अपने हिसाब से करूं, और उसका एक उपाय है मेरे पास। क्या क्या उपाय है? उपाय ये है कि सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बच्चे मेरे पास रहेंगे, मैं अपने हिसाब से उनकी परवरिश करूंगा। दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बच्चे इनके पास रहेंगे, ये परवरिश करेंगे। अरे वाह 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 भाई साहब, बच्चों के साथ का वक्त तो आप दोनों ने आपस में बांट लिया। सुबह 7 से 2 आप, और दोपहर के 2 से 10 आप। तो फिर मेरे लिए कौन सा वक्त रह जाता है? जी आपके लिए रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक का जो वक्त है वो आपका। ये भी रो रहा है और ये भी रो रहा है, कमाल है। जब लेफ्ट वाला रोता है तो राइट वाला भी रोता है, और जब राइट वाला हंसता है तो लेफ्ट वाला भी हंसता है। मालिक, कब तक आप लेफ्ट वाला राइट वाला करते रहेंगे? इनका कोई नाम का है नहीं रख देते हैं? नाम रखना कौन सा मुश्किल काम है, हम रखते हैं। दोनों की शक्लें बिल्कुल फौजी जनरलों की तरह हैं। एक का नाम होगा सिकंदर, दूसरे का नाम पोरस। सिकंदर पोरस, 500 साल तुम्हारे तरफ पुराने नाम। मेरी तरफ है? अरे नाम मैं रखता हूँ। एक का नाम दौलत चंद और दूसरे का नाम अमीर चंद। चंद 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 नाम रखोगे? सारी जिंदगी लोगों से चंद ही मांगते रहेंगे। कुछ फौजियों की तरह नाम रखो। फौजी तो बताओ तुम, फौजी नाम? अभी बताता हूँ। बताओ। ठाकुर दिलेर सिंह, ठाकुर चित्तौड़ सिंह। अरे चित्तौड़ सिंह की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? नाम ही ऐसा है साहेब। हम छोटे मालिक का नाम बतावे? हाँ बताओ बताओ। एक का नाम मिचका हुआ, दूसरे का बड़का हुआ। कौआ? शराब, हमारे बच्चों को कौवा बोलता है? साहब हमारे गांव में बड़े आदमी का ऐसे ही नाम हुआ है। चल।
मैं तो पहले से ही इन्हें मन में सुरन और नरेन पुकारती आ रही हूँ, क्योंकि इन दोनों की शक्लें भी मिलती है और आदतें भी। तो एक का नाम सुरन और दूसरे का नरेन, कैसे रहेगा भाई साहब? मुझे बहुत पसंद है। हाँ। अच्छा है, ठहरो, पहले मुझे तो पूछो। हाँ। पहले का नाम सुरेंद्र, हाँ? दूसरे का नाम नरेंद्र। नहीं, पहले का नाम नरेन और दूसरे का नाम सुरेन। बेटा सुरेंद्र और नरेंद्र, कभी तुमने सोचा तुम लोग कितनी तकदीर वाले हो? तुम लोगों को दो अलग अलग माओ ने जन्म दिया, मगर एक ही माँ के दूध पे परवरिश पा रहे हो तुम लोग, है कि नहीं? बिल्कुल साक्षात किशन भगवान की तरह। इसलिए जब बड़े हो जाना तो अपनी सारी जिंदगी माँ के दूध का सूद उतारने में गुजार देना, क्योंकि माँ के दूध का कर्ज तो कोई उतार ही नहीं सकता है। कहते हैं इंसान की सारी जिंदगी एक तरफ और माँ के दूध के एक बूंद की कीमत एक तरफ। इसलिए कभी भूल कर या भूले में भूल कर माँ का दिल मत दुखाना है? नहीं दिखाएंगे ना? चलो जल्दी से सामान उतारो, चलो आओ 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 अंदर आओ। हाँ, ऑफिस लगाना, पेपर निकालना और काम शुरू करना। चलो जल्द। मेरे गोश्त उतर के बिगड़ना नहीं है। दो बज गए मालूम है। लाओ। संभाल गया, बच्चा है, बिगड़ना मत। अरे नरेन, सुरेन, ये सब क्या हो रहा है? अरे 2 बजे से 10 बजे तक इन बच्चों की परवरिश करने का टाइम मेरा है। हाँ? उस वक्त मैं मेरे ऑफिस में रहता हूँ, तो इन बच्चों की परवरिश क्या खाक करूंगा? तो इसलिए आज से 2 बजे से 10 बजे तक मेरा दफ्तर मेरे घर में होगा। यहाँ? सर, आपको कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स देखनी थी। ओके, एक्सक्यूज मी। जी। अरे नरेन, सुरेन, क्यों रोते हो? अब मैं आ गया हूँ। ये लीजिए मालकिन। हाँ। तेरा संभाल के। हाँ हाँ। लेकिन ले ले ले। मेजर साहब बोले हैं कि सुबह 7 बजे बच्चों को ले जाएंगे। हाँ, मुझे पता है दिनू काका, आप लोग जाइए। अच्छा 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 अच्छा, आपको रोना आ गया, आप यहाँ रहिए, मैं इसे उठाती हूँ। खुश खुश। बच्चे का नाम सुरेन। बाप का नाम महेश मल्होत्रा। और मेजर बगावत सिंह। ये और का क्या मतलब है? ये हम दोनों के बच्चे हैं, आप इनका नाम लिखिए, स्ट्रोक लगाइए, मेरा नाम लिखिए, लिखिए ना। और इस बच्चे का नाम नरेन। बाप का नाम मेजर बगावत सिंह, स्ट्रोक महेश मल्होत्रा। इसका नाक छोटा है, साला मेजर की तरह। इसका नाक ऊंचा है। इसकी आंखें तो मां पर गई है। क्या मुसीबत है, एक की नाक मिलती है तो दूसरे की आंख मिलती है, एक का गाल मिलता है तो दूसरे का ओठ मिलता है। अब मैं क्या करूं? एक की आंख लेकर, दूसरे का धड़ लेकर, तीसरे का हाथ लेकर, चौथे का पैर लेकर मैं अपना बेटा बना लूं? वो तो ठीक है दादी, मेरी आंख तो मेरी नाक, मेरा सर तो मेरा धड़, मेरा हाथ तो मेरा पैर, इन सबको मिलाकर एक बेटा तो बन सकता है। मगर आपका रंग तो किसी से नहीं मिलता, उसका क्या करे, उसके लिए तो पेंटिंग करनी पड़ेगी। ओ, अरे भागो, चलो। पिछले 8 साल से चितपट कर रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आज ट्राई करके देखे। चित आया तो सुरेन मेरा बेटा, और पट आया तो नरेन मेरा बेटा, हो जाए। बचपन से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। अब एक मम्मी आई है दौड़ के। ओहो, फिर आपने वही हरकत कर दी। अरे पिछले 20 सालों से मैं आपको कहती आ रही हूँ, ये चितपट करना छोड़ दो। मैं तो दोनों को अपनी औलाद समझती हूँ, और ये भुला भी चुकी हूँ कि इसमें से एक बेटा हमारा नहीं है। लेकिन मैं नहीं भुला हूँ। देख सर,
अब मेजर डैडी आएंगे और मम्मी को पीठ थपकने का इशारा करेंगे। As usual यार। क्या हुआ? अरे ये क्या किया? इस बार भी सिक्का बाहर निकालने के बजाय अंदर ढकेल दिया। Oh my God, अब क्या होगा? अच्छा मैं डॉक्टर बुला के लाऊं? पुराना डॉक्टर बुला के लाऊं कि नया डॉक्टर बुला के लाऊं? This is none of your business. दफा हो जाओ यहाँ से। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। मेरे कारण? हाँ। मैंने कहा था सिक्का उछालने के लिए और जब सिक्का वापस आ रहा तो नीचे मुंह खुला रखने के लिए। पिछले 20 साल से मैं तुम्हारे कारण सिक्के उछाल रहा हूँ। कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी सड़क पर 500 सिक्के निकल चुका हूँ मैं। एक अच्छे खासे आदमी को पैसे डालने का डिब्बा बना दिया है तुमने। तो अच्छा है ना, ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में जमा हो रहा है। जब रिटायर हो जाओगे तो तुमको उल्टा लटका सारे पैसे निकाल लेंगे, उस पैसे से नया बिजनेस खोल लेंगे। मेजर इधर आ जा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पानी में डाल के मरवा दूंगा साले तुम्हारे साथ। भाई वो देख तेरी भाभी, तेरे और मेरे ख्याल कितने मिलते जुलते है ना। चल चल, ब्यूटीफुल सबर कर यार, सबर कर थोड़ा भाई। हाँ। लड़की है या कयामत? अरे ये सपना है कि हकीकत? अच्छा देख देख ऊपर देख क्या है, चांद की सूरज है? हाँ? कबूतर। ओ इसका मतलब ये दिन है। हाँ। इसका मतलब ऊपर सूरज भी है। हाँ। इसका मतलब ये सपना नहीं हकीकत है। हाँ। भाई तेरी लॉजिक तो जबरदस्त है। आएगी 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 आएगी। Hey come on girls, get late. Come on सीमा। भाई चली गई। अपनी किस्मत ही ऐसी है यार। वो लड़की बहुत अच्छी थी ना यार, हमने फोन नंबर भी नहीं लिया। ये रहा उसका टेलीफोन नंबर। अरे चाहो तो उसका आप पता भी दे दो। Why not? Why not? क्योंकि वो मेरी इस सहेली की बेटी है। Oh, that's beautiful. Wonderful. Isn't it? और उसके बाप के बारे में नहीं जानना चाहोगे तुम? बताओ बताओ क्या करते हैं वो, बताइए। वो पुलिस कमिश्नर है। मर गए यार। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो मंदिर में आके दो दिए क्यों जलाती हो? बेटे जब तुम दोनों में से मेरे पास एक भी नहीं था तो मैं भगवान के सामने एक दिया जलाती थी और हर वक्त उससे ये प्रार्थना करती थी कि मेरे सोने आंगन में एक दिया जला दे। फिर इस दयालु भगवान ने मुझ पर दया की, मुझे एक के बजाय दो दो चिराग दिए। तुम दोनों इसी के वरदान हो, तभी से मैं तुम दोनों के नाम पर दिए जलाती हूँ। तुम दोनों तो मेरी आंखें हो, मेरे दो अनमोल रतन हो। किस्मत से ऐसी माँ, पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ, मेरे बदन में जान जैसी माँ, किस्मत से सीमा।
पास वाह, मेरे दिल के पास वाह, मुझे किसी का डर हो कैसा, मेरा तो विश्वास वो। गीता और कुरान जैसी माँ मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ, अरे पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। जैसी माँ मिले मुझे किस्मत से ऐसी माँ, पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ, मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिले मुझे किस्मत से ऐसी माँ। क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं वहां पर? कुछ तो बोलिए ना। क्या हो रहा है? कल मुझे एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा मिले थे, काला भुजंग। उन्होंने मुझे एक पेरू दिया और कहा कि रात भर इस पेरू को आप तकिए के नीचे रखिए और सो जाइए, और सवेरे पेरू को हॉल में रखिए। इन दोनों लड़कों में से जो लड़का इस पेरू को खाएगा वही तुम्हारा असली बेटा होगा। इसलिए मैं पेरू को टेबल पर रखकर नजर लगाए बैठा हूँ कि पेरू कौन खाता है, सुरेन या नरेन। अच्छा। अरे पेरू कहाँ गया? कहाँ भागे जा रहे हैं आप? गायब। अरे वो पेरू तुम खा रहे हो? मुझे पेरू बहुत पसंद है। मैं बचपन में तोते के मुंह से छीन के पेरू खा लिया करता था। मुबारक हो, आपको आपका बेटा मिल गया। ओ, बेटा, माय गॉड। आज टेंडर की आखिरी तारीख है और तुम लोगों ने अभी तक ये पेपर्स तैयार ही नहीं किए, अब कौन इसे तैयार है? डैड, डैड, मैंने आपकी 20 साल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। अंदर चलिए। आता हूँ यार, इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? कोई नया टोटका निकाला है क्या? अरे डैड, ये टोटका और जादू टोना पुराना हो गया है। साइंस ने एक नया टेस्ट निकाला है, डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट? ये क्या है? अरे डैड, एबीसी और डीएनए, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको अपने बेटे से मतलब है ना? नहीं, पहले मुझे ये बता कि ये डीएनए होता क्या है। देखिए, बाप के मुंह से थूक लेते हैं, बेटे के मुंह से थूक लेते हैं, टेस्ट करते हैं, इससे पता चल जाता है कि बेटा उस बाप का है या नहीं। सिंपल। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो चुका है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो क्या है ना कि वो डॉक्टर तब तक टेस्ट नहीं लेगा जब तक उसे कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाता। नहीं, इसमें बहुत लफड़ा है। नहीं, कोई लफड़ा नहीं है।
मैंने कोर्ट में काम करने वाले आदमी को पटा लिया, एक डॉक्टर से भी बात कर ली, 25,000 इसको दो, 25,000 उसको दो, 15 मिनट में बेटा घर। लेकिन कोई खतरा तो नहीं? डैड मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको कोई खतरे में डाल सकता हूँ? नहीं ना। फिर लाइए 50,000 रुपए दीजिए। 50,000? अरे डैड इतना सोच क्या रहे हैं, 50,000 में आपको अपने खानदान का वारिस मिल रहा है। यस यस यस, 15 मिनट में वारिस अंदर और मेजर बाहर। ये ले 50,000। थैंक्स सर। और ये 10,000 तू अपने लिए रख ले। मुझे पैसों की क्या जरूरत है, आप रख लीजिए, शायद कोई और मांगने वाला आ जाए। मेरे लिए इतना ही काफी है। थैंक यू डैड, बाय। मैनेजर, ए मैनेजर, मेरी तरफ से पूरे स्टाफ को 6 महीने का बोनस। हाँ बोनस बोनस। तू तू कब आया? आप हमारा डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं? अरे मैं थूकता हूँ ऐसे टेस्ट पे। हाँ वही तो चाहिए, थूक थूक। दो भाइयों के प्यार को जुदा करना चाहते हैं, एक माँ से उसके बच्चे छीनना चाहते हैं आप? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी डैड। मैं अभी जाके माँ को बताता हूँ, और जब माँ को पता चलेगा तो वो किसी नजदीक के कुएं में जाके छलांग मार देगी। चपाक। और आप विधवा हो जाएंगे डैड, विधवा। रंडवा रंडवा। हाँ हाँ रंडवा, मैं अभी जाके माँ को बताता हूँ। रुक जा रुक जा, ये ले 10,000 रुपए। मैं किसी के फेंके हुए पैसे नहीं लेता, तू नरेन के। अरे ये 30,000 ले ले। मैं कोई फकीर नहीं जो 30,000 ले लूं। मैम गोइंग। अरे ये 1,00,000 रुपया ले ले। अब अपना गुस्सा तो थूक दे। बाहर जाके थूकूंगा, यहाँ तो आप उसका टेस्ट कर लेंगे ना। ओ बाय गॉड। सर सर ये बोनस के पेपर है, इन पर साइन कर दीजिए। पेपर्स जी साइन। मैनेजर साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैनेजर साहब आप डैडी के थप्पड़ का बुरा मत मानना प्लीज, वो बेसिकली बड़े अच्छे आदमी, पर वो क्या है ना पिछले 20 साल से हम दोनों की उलझन में उलझे रहते हैं, और इसी उलझन की वजह से आपने अपनी बेटी की शादी के लिए जो लोन मांगा था वो सैंक्शन नहीं हुआ। पर आप फिक्र मत कीजिए, ये रहे 1,50,000 रुपए और आप समझिए आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कीजिएगा, और हमको बुला लेना जरूर। आप लोगों का किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अरे नहीं मैनेजर, अरे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या कर रहे हैं? बाहर दुआ फेंक, कहाँ अंदर फेंके जा रहे हैं? दोनों में से एक भी डैडी ने देख लिया तो जूते पड़ेंगे। बाहर फेंक। इतना डरता है, सिगरेट क्यों पीता है? आजकल के बच्चे अपने बाप की इज्जत करते ही नहीं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बदतमीज बेशरम लोग। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अरे बेशरम मवाली, एक तो दूसरे के घर में जागता है, ऊपर से नमस्ते अंकल बोलता है। अरे साला दुनिया भर का मवाली लोग इस मोहल्ले में आकर बसा है। नहीं तीनों मवाली है, शर्म नहीं आता? नहीं वो फेरो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक तो चुपके चुपके सिगरेट पीते हो, ऊपर से शरीफ लोगों के घर में झांकते हो। किसने सिखाई ये हरकतें तुमको? किसने लगाई ये आदतें? अब समझ में आ गया, ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। मेरी? हाँ तुम्हारी। ये नहीं, माफ कीजिए, ये मेरी नहीं आपकी परवरिश का नतीजा होगा। मेरी? और होगा नहीं बल्कि है। आप सिगरेट पीते हैं, इन्होंने भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। क्यों रे, इतनी अच्छी माँ के बच्चे होकर ऐसी भी होते हरकतें करते हो? ए, क्या बोलता है? मैं मिसाल दे रहा हूँ। टाइम क्या हो रहा है? मेरे पास घड़ी नहीं है। हाँ बताइए क्या टाइम है? 10:30। 10:30, ये टाइम तो आपका नहीं है। नहीं आपका टाइम है, ये टाइम माँ का है। माँ का है। और हक भी माँ का है। अरे ठहरो, ए ठहरो, आज मैं माँ के सामने भी मार मार कर तुम्हारी खाल उतेर दूंगा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों बदमाशों को जरूर पीटूंगा। लुच्चे आवारा पर। क्या हुआ? क्या हुआ, इतनी चिल्लम चिल्ली कर रहे हो? क्या किया है मेरे बेटों ने? अरे आप लोगों को तो बात का बतंगड़ बनाने की आदत सी हो गई है, सारा घर सर पर उठा लेते हो। अब बोलो ना, चुप क्यों हो? सुमन तुझे पता नहीं इन बदमाशों ने क्या किया? क्या किया है? क्या किया? अरे क्या कर रहे हो, एक माँ के सामने उसके जवान बेटों की बेइज्जती कर रहे हो? मैंने मैंने बेइज्जती की? और क्या, अव्वल तो ऐसी गंदी बातें माँ बहन बीवी के सामने करनी नहीं चाहिए, उससे बेटों की बेइज्जती होती है, ऊपर से नारी जाति का अपमान होता है। क्या किया है तुम दोनों ने, सच बताओ? पक्का? ठीक है ठीक है, उन बदमाशों को छोड़ दिया। वो तो तुम छोड़ दोगे, मगर तुम भगवान की कसम खा के बोलो तुमने जवानी में ऐसी हरकत की थी कि नहीं? अरे छोड़ो ना यार। नहीं वो तो छोड़ दूंगा, मगर तुम भगवान की कसम खा के बोलो तुमने ऐसी हरकत की थी? अरे क्यों कसम देकर खाम खा सच उगलवाना चाहता है? एक तो दूसरे की औलाद घर में घुस गई है, साथ में ये भिखारी मेजर भी आ गया।
सॉरी 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 सुधाकर, सॉरी मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आने वाला था। सॉरी, लेकिन साथ में किरण बेटी भी आने वाली थी ना 20 साल के बाद। और ये बात तो तुमने भाभी और बच्चों को भी नहीं बताई होगी। हा? नहीं बताई, लेकिन किरण बेटी साथ में क्यों नहीं आई? इसलिए कि तुझे एयरपोर्ट पर न देखकर वो रूठकर घर चली गई। अरे मैं किरण बेटी को कैसे समझाऊं कि इन दोनों बच्चों ने मुझे कितना परेशान कर रखा है। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये परेशानी तूने खुद मोल रखी है। अरे भैया जब भाभी ने बच्चों को अपना लिया है तो तुझे अपनाने में क्या तकलीफ है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं ये जानकर रहूंगा कि दोनों में से मेरा बेटा कौन सा है। यही जिद तुझे जिंदगी से दूर ले जा रही है, तुम्हारे बिजनेस से तुम्हें अलग कर रही है। हाँ यार सुधाकर, बिजनेस से तो मेरा मन हटते ही जा रहा है। यही हाल रहा ना, तो जिस दिन तुझे तुम्हारा अपना बेटा मिलेगा उसे देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो सुधाकर मुझे क्या करना चाहिए यार? तू एक काम कर यार, हाँ। तो अपना सारा बिजनेस उन दोनों बच्चों के हवाले कर दे। दोनों बच्चों? हाँ। लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए कि दोनों में से मेरा मैं फिर उसी टॉपिक पे आ गया। सॉरी सुधाकर सॉरी। अब ये बता कि किरण बेटी के बारे में क्या सोचा है तूने? तुम ये भी भूल गए? अरे यार उसे स्टड फॉर्म खुलवा के दिया है। ओ, वो पी 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 पेडिग्री का कोर्स किया है। करेक्ट, लंदन से फर्स्ट आई है। करेक्ट, you
बस एक झलक और गिरी बिजलियां, हम हो गए बेसुबां, एक पल मिले और हुए वो जुदा, कहीं मिला ए खुदा, देर हो गया। देखिए सर लोग, इन घोड़े घोड़ियों के बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये किरण मेम साहब का काम है, कचरा उठा के। अभी आती होगी तूफान मेल की तरह हवा में उड़ती हुई, वही आपको बताएगी ये घोड़े किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इनके बाप रजवाड़े खानदान के हैं या पिछवाड़े खानदान के हैं, वही बताएंगे आपको कचरा उठा के। कचरा उठा के? यस, कचरा उठा के, ये अपन का तकिया कलाम है, कचरा उठा के, क्योंकि अपने इधर रोज घोड़े की लीद और कचरा उठाता है, उठा उठा के। भाई साहब ये रिंगो स्टर्ड फार्म यही है कचरा उठा के? नो नो, यस। वो किरण मैडम कहाँ हैं? अभी आती होगी कचरा उठा के। लो आ गई, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जॉनी। मिस किरण, हम एक उम्दा नस्ल का घोड़ा खरीदना है। श्योर, ये देखिए, ये एक बेहतरीन नस्ल का घोड़ा है, इसका नाम है बादल। बादल? हाँ, बादल। इसका खानदान क्या है? आपसे ऊंचा, कचरा उठा जॉनी। सॉरी, माफ कीजिए, मैं बताती हूँ। आपने महाराणा प्रताप का नाम तो सुना होगा? जी। उनका एक घोड़ा था चेतक। जी। ये उसी चेतक के पोते का पोता है, आई मीन ग्रैंडसन ऑफ चेतक। चेतक हवा से बातें करता था, ये बादलों से बात करता है। इस पर बैठ जाइए, घंटों काम मिनटों में, इसे रेस में दौड़ाइए, आंखें बंद कर लीजिए, ये घोड़ा जीत की मंजिल पर होगा। ठीक है, हमने इसे खरीदा, आप इसे हमारे नाम पर बुक कर दीजिए। ग्रेट, थैंक यू। जाइए अपने नाम लिखवाइए कचरा उठा के। व्हाट? अरे मैं उठा लूंगा यार। और ये घोड़ा कौन लाया? जी मैडम, मैं लाया, एक साहब से खरीदा था और इसे बेचने आया हूँ। रॉयल खानदान का घोड़ा है मैडम। अच्छा, रॉयल खानदान का तो नहीं, ये मुझे घायल खानदान का लगता है। जॉनी मुंह खोल। तेरा नहीं, घोड़े का। अरे मुंह खोलने की क्या जरूरत है, मैंने इसकी आंखों में देख लिया है, इसको जॉइंटिस हो गया लगता है मुझे, और इसके पेट में कुछ गड़बड़ भी है। शट अप जॉनी। सॉरी सर, ये तो किसी मामूली खानदान का घोड़ा लगता है। आपने कैसे जान लिया? सर, मैं घोड़े पर हाथ रखकर बता सकती हूँ कि ये किस खानदान से है, इसकी आदतें हरकतें देखकर पहचान सकती हूँ कि ये किस नस्ल से होगा। सुनो जी,
तुम सुधाकर की बेटी हो ना? जी, मगर आप? मैं महेश। महेश अंकल। करेक्ट। क्या बेहुदा बात कर रहे हो महेश, ये नामुमकिन। लगता है तू सठिया गया है, खुद तो बदनाम हो गई और साथ में मेरा भी अपने घर आना जाना बंद करवाएगा। कुछ नहीं होगा दोस्त, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। यार तू मेरे दिल का दर्द नहीं समझ सकता, मैं बहुत दुखी हूँ दोस्त। पिछले 20 सालों से सुलगते अंगारों पर करवटें बदल रहा हूँ। मुझे तेरी बेटी की मदद लेने दे। बोलो बेटी, कर सकती हो ना? इम्पॉसिबल अंकल, ये तो हो ही नहीं सकता। वही बात तो मैं कह रहा हूँ बेटी। तू बीच में मत बोल बेटी, एक दुखियारे बाप का दुख दूर कर दे। पिछले 20 साल से ओहो, तुम्हारी ये 20 साल की दुख भरी कहानी पिछले 20 मिनट में 20 बार सुन चुका हूँ। मुझे जो कहना है कहने दे। अंकल, वैसे काम बहुत इंटरेस्टिंग है। इंसान की नस्ल मालूम करने का काम आज तक किसी ने इस ढंग से किया नहीं। सुन सुन सुन। और फ्रैंकली मुझे भी नहीं लगता मैं कामयाब हो पाऊंगी। अंकल ट्राई कर लेते हैं। बेटी। और अंकल, मैं इस काम, इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गई ना, तो कमाल हो जाएगा। अरे कमाल क्या, पूरे वर्ल्ड में तू मशहूर हो जाएगी, गिनीज बैग में तेरा नाम आ जाएगा। ओ, ओ, मेरे भैया, गिनीज बैग नहीं, गिनीज बुक में। अच्छा, वही गिनीज बुक, गिनीज बुक। तो बेटी करोगी नहीं ये काम? हाँ अंकल, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। अच्छा, थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। थोड़ा सोचना पड़ेगा। अरे जो जी में आया वो करो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अपने इस राज का पता मेरी पत्नी और दोनों बच्चों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, दूसरा साला वो मेजर, उसको तो भनक तक नहीं आनी चाहिए, बड़ी खतरनाक चीज है। अंकल वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ओके। लेकिन इस काम के लिए कम से कम 2 महीने तक मुझे आपके घर में रहना पड़ेगा। मेरे घर में? आपके घर में। लेकिन तू आएगी कैसे? मतलब तेरी एंट्री कैसे होगी? अरे महेश, दोस्त के काम आएगा ना यार। हाँ। वो मैं संभाल लूंगा। थैंक यू बिटिया, थैंक यू। यार नरेन, क्या बात थी? नहीं हा? कौन सी बात मेरे भाई? अरे वही कल वाली स्कर्ट वाली। अरे क्या लड़की थी यार वो, ऐसा लग रहा था जन्नत की कोई परी नीचे आ गई स्कर्ट पहन के। उसके बाल देखे थे, बाल बाल ऐसे ऐसे रेशम की तरह हवा में लहरा रहे थे। अबे और उसकी आंखें, और क्या मुस्कुराहट थी उसकी यार। तूने तो उसको पीछे से देखा था, ये तुझे आंखें और मुस्कुराहट कब दिखाई दी? अबे जब बैठ, जब उसके बाल अच्छे होंगे तो आंखें भी तो अच्छी होंगी ना। पॉइंट है, पॉइंट। अरे वो देखा था क्या, वो जो उसने झटके से जो टर्न मारा था। नरेंद्र, ठंडी ठंडी। सुरेंद्र कहाँ है? नहा रहा है। अरे तू लोग कब अपनी आदतें बदलोगे? बचपन से एक ही बाथरूम में पॉटी भी करते हो, एक ही बाथरूम में नहाते भी हो। अरे डैडी, हम लोग अलग अलग बाथरूम में, मजा नहीं आता। अबे बेहुदा लोगो, अब तुम बड़े हो चुके हो, बचपन की आदतें छोड़ो। हमको तो नहीं लगता कि हम बड़े हो गए डैडी। अजीब बेवकूफ लड़के, अरे तो शादी का क्या करोगे? एक ही लड़की से कर लेंगे। अरे कितनी देर कर दी यार, मैं तुम्हारे इंतजार में 6 घंटे से टहल रहा हूँ। अरे यार मैं तो सही वक्त पर आया हूँ। हाँ लेकिन मैं बेचैन था ना रात से। मॉर्निंग अंकल। हे हे, गुड मॉर्निंग। सब याद है ना क्या क्या करना है? सब मालूम है, चल ना। चल चल चल, आजा। ए सुमन। आ रही हूँ। देखो कौन आया है। ये किरण है ना? हाँ। अरे बाप रे बाप। नमस्ते आंटी। जी तेरे बेटी, तू कितनी बड़ी हो गई है, इतनी सी थी जब तुझे देखा था। भाई साहब आप भी कमाल करते हैं, लंदन से आए 4 दिन हुए हैं आपको और आज फुर्सत मिली है हमारे यहाँ आने की। भाभी लंदन तो मैं आता जाता रहता हूँ, जैसे लोग तरकारी लेने जाते हैं उसी तरह मैं लंदन आना जाना लगा रहता हूँ। 4 दिन यहाँ तो 4 दिन वहाँ। अब देखिए ना, इस बार कुछ ज्यादा दिन लग गए, अपनी बेटी को जो साथ लाना था, अब यहाँ आया हूँ तो वापस वहाँ काम निकला है, इसलिए मुझे आज ही जाना पड़ रहा है। आज तो फिर किरण? बस यही प्रॉब्लम है भाभी, इतने दिनों के लिए किरण बेटी को अकेला कहाँ छोड़ूं? इसे हमारे यहाँ छोड़िए, ये तो आपका अपना घर है भाई साहब। मेरे 2 बेटे तो है ही, एक बेटी की तमन्ना थी, भगवान ने वो भी भेज दी। चलो किरण। किरण ये मेरे भाई साहब है। नमस्ते। अरे जीती रहो बेटी। साला ये मेजर जासूस की तरह हर जगह पहुंच जाता है, और जब सुमन उसे भाई साहब कहती है ना तो ऐसा लगता है सांप को भाई बोल रही है। ये सुधाकर भाई की बेटी है ना? मेजर साहब जी। क्या सुधाकर साहब, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? बस मेहरबानी भाई। वो नरेंद्र सुरेंद्र कहाँ है? हाँ। बेटा सुरेंद्र, बेटा नरेंद्र,
तू इतनी सी थी और ये इतने बड़े बड़े थे। हाँ, अब तो काफी बड़े हो गए। हाँ। अरे अरे वहां क्या खड़े फटी आंखों से यहां देख रहे हो? इधर सुधाकर अंकल के पैर छुओ। सुधाकर अंकल यहां है नरेंद्र। हाँ जी, तेरा यहां जी। ये है किरण और ये नरेंद्र। हाय। ये सुरेंद्र। हाय। हेलो। अरे रामू काका, दीनू काका, कहां हो तुम सब लोग? जी मालकिन। देखो इनका सामान ऊपर के कमरे में रखो। जा जी। अच्छा महेश, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। ओके। अच्छा भाभी नमस्ते, मैं चलता हूँ। बाय बेटा। बाय 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 डैड। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखना। चलो बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। भाई ये तो वही है। सही है अंकल, आप हमेशा ऐसे ही पहले सूंघकर फिर होठों पर लगाकर सिगरेट पीते हैं? हाँ, ये मेरी वर्षों की आदत है। इम्पोर्टेंट पॉइंट। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मेरे दिल के टुकड़े, मेरे प्यारे, आजा। मुझे बिल्कुल याद है कि आज पहली तारीख है और हर पहली तारीख को तू अपने बाप से महीने भर का टैक्स वसूल करने आता है। ये लो 10,000 महीने का टैक्स। आई लव यू डैड, आई लव यू, यू आर टू गुड। और ये लो। ये क्या है डैड? 1,000 रुपया और मेरी तरफ से, लेकिन नरेन को छुपा कर। लेकिन नरेन से छुपा के क्यों डैड? अरे मैं तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ ना बेटे। अच्छा? तू मेरा दिल है, मेरा कलेजा है। अरे मेरे घर आने का चिराग है, तू मेरा असली बेटा है। अब जैसा बाप दुनिया में किसी के बाप का बाप नहीं हो सकता है। अरे आई लव यू बेटे, लेकिन ये बात नरेन को मत बताना, है तेरे मेरे आपस का मामला है। अरे टॉप सीक्रेट डैड, एकदम सीक्रेट, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। करेक्ट। वाह ओ जी मेरे लाल, इस रजिस्टर पर साइन करो। या डैड, इतनी बड़ी बड़ी बाप बेटे की प्यार मोहब्बत की बातें करते, फिर हर महीने मुझसे रजिस्टर पे साइन करने के लिए कह देते। नहीं, मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी साहूकार से प्यार उधार मांग रहा हूँ। ये इनकम टैक्स का मामला है, वैसे मेरा सब व्हाइट है, ब्लैक नहीं। हाँ ब्लैक तो एक ही चीज है ना आपके पास। कलर डैड। या आई एम टॉल, डार्क एंड हैंडसम, कम ऑन साइन। ओके बाय डैड। बाय बाय माय सन। बाय। हाय डैड। हाय किरण। ओ मेरे आंखों के नूर, आओ ये ले तेरे 10,000। ओ थैंक यू डैड। और ये 1,000 मेरी तरफ से। लेकिन ये बात सुरेन को नहीं बता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि तू ही मेरे वंश का असली चिराग है बेटे। ओ तू ही मेरा असली बेटा है। और आप ही मेरे असली डैड है। ये तेरे मेरे आपस का मामला है। बिल्कुल डैड, वचन तोड़ दूंगा लेकिन जान नहीं दूंगा। नहीं मेरे मतलब जान दे दूंगा, वचन नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू। साइन। एक राइटी और एक लेफ्टी। बाय डैड। बाय बेटे। अंकल एक बात समझ में नहीं आती। पूछो बेटी। आप इन दोनों के सिग्नेचर्स इस रजिस्टर पर क्यों लेते हैं? बेटों का खर्च इनकम टैक्स के कौन से खाते में दिखाना पड़ता है? मुझे नहीं लगता आपको इससे कुछ फायदा होगा। बहुत फायदा होगा बेटी, बहुत फायदा होगा। जिस दिन मुझे इस बात का पता चल जाएगा कि दोनों में से मेरा बेटा कौन है, वो दिन उस फटीचर मेजर का इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं उसे धक्के मार मार कर बाहर निकाल दूंगा और निकालने से पहले उसे पाई पाई का हिसाब दिखाऊंगा कि बचपन से लेकर जवानी तक मैंने उसके बेटे के ऊपर और उसके ऊपर क्या क्या खर्च किया है, और वो सारा खर्चा मैं सूद के साथ वसूल करूंगा। चलो अंकल। हाँ। आप भी लेफ्टी हैं? क्यों? आपने एक बात नोटिस की है? क्या? नरेन भी लेफ्टी है, वो भी लेफ्ट हैंड से ही लिखता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बाप की आदत बेटे में है। नरेन आपका बेटा क्या है? हो सकता है। मुझको भी 1,000 रुपए ज्यादा दिया और कहा है? सुरेन से मत कहना। अबे नहीं यार। है? तो कहता हूँ हम दोनों डैडी को मिलके ऐसा मस्का लगाते हैं और सारा जेब खाली कर लेते हैं। नहीं नहीं, तू जानता नहीं डैडी को, वो बहुत पहुंची चीज है। हाँ यार। क्यों मेरे लाल, हो गई पहले तारीख की वसूली? जी। कुछ वाकया हुआ? देखो खास थोड़ी हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा खैर,
मुझे मेरी पेंशन के 1,000 रुपए मिल गए, ये 200 रुपए तेरे देना और ये 200 तेरे। नहीं भेजो डैडी, आपसे पैसे कैसे ले सकते? आपको तो वैसे इतने कम पैसे मिलते ना, फिर अब उसमें क्यों बुलाने वाली बात करता है? अगर मैं तुम लोगों को पैसे नहीं दूंगा तो इससे लेके मैं अपने बच्चों का पेट खाली रख रहा हूँ, उनकी जेब खाली रख रहा हूँ। देखा, एक ये और एक वो है। सॉरी, हमें क्या लेने देना यार? यार देखो, लगता नहीं कि 200 कम है थोड़े? हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। नहीं, मुझको तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि 200 रुपए और चाहिए। जूते में रखे, निकालो। अरे सुरेंद्र, मेरे काम करना। हाँ जी, करूंगा ना। कि मैंने प्रोविडेंट फंड के लिए चिट्ठी लिखी है। हाँ, इसको जरा पोस्ट करना। हाँ, अभी करके आ। एक मिनट, तुम्हारे साथ रहे कि अच्छा खासा आदमी पागल हो जाता है। क्यों? क्यों? अबे मैंने इस पे एड्रेस लिखा ही नहीं है। वापिस आप ओवर एक्टिंग मत किया करो मेरे सामने। ओके, चीज हो रहे हैं यार। अंकल, अंकल वो देखिए, अरे ये तो उल्टे हाथ से लिख रहे हैं। देखा, तूने कहा बेटे में बाप की आदत होती है, मैं उल्टे हाथ से लिखता हूँ, ये साला मेजर भी उल्टे हाथ से लिखता है, तो क्या ये मेजर मेरा बेटा है? अंकल नमस्ते। अरे तुम दोनों के दो दो बाप है, फिर भी मैनर्स नहीं है। अरे तुम्हारे दोनों बापों ने तुमको यही सिखाया है? हाँ। किसी के घर में झांको, उसको चिढ़ाने के लिए नमस्ते बोलो। हाँ। अरे मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। हमने भी देखा है। क्या देखा है? वही, वही, वही। अरे क्या बात है, वो अंकल तुम दोनों पर भड़क क्यों रहे थे? वो बात तो, अरे किरण, भलाई का जमाना ही नहीं रहा यार। देख रहा है कि नहीं? हाँ देखो ना, हम तो उनको नमस्ते करने गए थे और वो खबखा भड़क गए। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं मानती है? कोई नमस्ते कहने से भड़कता है क्या? अच्छा, वाह ये बात है, तो तुम जाके नमस्ते करो। अंकल नमस्ते। तुम भी उन दोनों लुच्चों के साथ मिली हो, नालायक चुड़ैल बुद्धि कुशल लड़की, भगवान करे तेरे जवानी में बाल सफेद हो जावे, कल शाम तक में सभी दांत गिर जावे। छोड़ो ना अंकल, बच्ची है। क्या है? आलू की सब्जी। हाँ आलू की सब्जी दो। क्या है? चिकन मुझे दो। मुझे चिकन चाहिए। मुझे भी आलू की सब्जी चाहिए। मुझे रोटी लो साथ चिकन। रोटी रोटी रोटी, मैं रोटी खाऊंगा। महेश अंकल रोटी खा रहे हैं और नरेन भी। पूरी देना मुझे। मुझे पूरी चाहिए। हाँ मुझे रायता दो। श्रीखंड है? हाँ मुझे भी श्रीखंड। काका रायता, मुझे रायता चाहिए। अरे आप लोग खाना नहीं खा रहे? भाई जब तक हमारा स्टार्टर नहीं आता, हमारी तो गाड़ी चलती नहीं है ना। ये लो, आ गया हमारा स्टार्टर। आइए। कमाल करते हैं ये, इतने बड़े हो गए हैं फिर भी मेरे हाथ से पहला निवाला जब तक नहीं लेंगे, खाना इनके गले से नहीं उतरेगा, है ना? बिल्कुल। क्या हुआ बेटी? ये दोनों कितने लकी हैं आंटी, इनके लिए आप हैं। जब मैं छोटी सी थी, कुछ 5-6 साल की, तब मैं भी इसी तरह माँ की गोद में बैठकर खाया करती थी, लेकिन मेरे नसीब में माँ का सुख नहीं था। माँ ने माँ को मुझसे छीन लिया, उसके बाद की सारी जिंदगी माँ की गोद के बगैर ही गुजार दी। ऐसा क्यों कहती हो तुम? मैं हूं ना, देखो आज से तुम मुझे माँ समझकर मेरे हाथ से पहला निवाला खाया करो। ओके, आ जा। लो, क्या कर रहे हो तुम पागल? लो, ये क्या शरारत है तुम लोगों की? किरण, ये क्या बदतमीजी है तुम दोनों की? एक बिन माँ के बच्चे के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है? खामखा रुला दिया ना उसे। अरे माँ, हम तो उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो खामखा रो पड़ी। अब हमें क्या मालूम कि उसका दिल इतना छोटा है? वो मुझे नहीं मालूम, जाओ जाकर माफी मांगो उससे, तब तक मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। खाना गर्मा गर्म। वेरी फनी। अरे मैं तो खाना लेके आया तुम्हारे लिए। ये आपका है? नहीं, भाड़े पे लिया था ना। भाई सुरेन, बोल। मुझे नहीं लगता कि आज हमको डिनर मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला। एक्सक्यूज मी मैडम, मिस सेनोरिटा, हेलो।
मदान देखिए, मानते हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसलिए आप हमको माफ कर दीजिए। ये खाना खाइए और हमें भी खाने दीजिए। मुझे भूख नहीं है, है? यार बच्चों की तरह भात भात पे रोट जाती है। हाँ यार, ऊपर से रोबी पड़ती। अच्छा चलो छोड़ो, अब मान जाओ ना। अच्छा देखो, जल्दी से खाना खा लो, बहुत अच्छा खाना बना, ये वाला खाओ। अरे भाई तुम भी यार बच्ची को बच्चों की तरह मनाते हो। देखो बच्चों को मनाने के दो तरीके, या तो उनको लोरी होरी सुना दो, या फिर या तो दूध पिलाया जाता है। कपड़े खराब कर देगा, ऐसे नहीं करते। जल्दी बात, अरे बिगड़ो आज तुम्हारी दोस्ती हुई है क्यों? यार कि आज अब दो से तीन हो गए और हमारी दोस्ती का ट्रायंगल हो गया। चीयर्स। ओफो, अब खाने का ऑर्डर जल्दी दीजिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। यार फ्रेश हटा दी भी नहीं है यार। अरे हाथ जला दिया यार। अरे सिगरेट पिला, सिगरेट पिला, कम ऑन। सॉरी सॉरी। मैं किरण बोल रही हूँ। बोलो बेटी, क्या बात है? अंकल एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? आप जिस स्टाइल में सिगरेट सूंघकर सुलगाते हैं ना अंकल, ठीक उसी स्टाइल में अंकल सुरेंद्र ने सिगरेट सुलगाई। क्या? और मेरे सामने पी रहा है अंकल। फिर वही मेरा बेटा है, क्योंकि बाप की नकल सिर्फ बेटा ही कर सकता है। सुमन, मिल गया, मुझे मेरा बेटा मिल गया, मुझे मेरा बेटा मिल गया। कैसे? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं तो नजर लग जाएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताइए तो। नहीं 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 नहीं, पहले मैं 21 तीर्थ स्थानों का दर्शन करूंगा और आने के बाद बताऊंगा कि मेरा बेटा कौन सा है। मैं जा रहा हूँ आज, अभी इसी वक्त जा रहा हूँ। मैं भी आऊँ तीर्थ स्थान पे? नहीं, आप तीर्थ स्थान मत आइए, आप प्रस्थान करिए, अपने बेटे नरेन को लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा सुरेन है। अरे मैंने बोल दिया, राज बोल दिया। जाओ जाओ, दफा हो जाओ, अपना बोरिया बिस्तर उठा के चले जाओ, बहुत खा पी लिया तुमने। हाँ यस अंकल, नरेन ने भी उसी स्टाइल में सिगरेट सुलगाई। व्हाट? टिकट कब का बुक कर रहा हूँ? गेट लॉस्ट। नाराज क्यों होते हो यार, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया, इसी खुशी में चलो आज एक सिगरेट। अरे तुम भी सिगरेट पीते हो? हाँ कभी कभी खुशी के गम में पी लिया करता हूँ। सही है, सेम स्टाइल बचपन से। ओह माय गॉड अंकल, मामला कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? किसने गड़बड़ की? अंकल आप समझ नहीं रहे हैं। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंटी ने दो दो बच्चों को जन्म दिया हो? क्या कहती हो, पहले अस्पताल वालों ने दोनों बच्चों को मिक्सअप कर दिया, अब तुम दोनों बच्चों के माँ बाप को मिक्सअप कर रही हो। मैं तुमसे बहुत उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन आज तुमने मुझे निराश कर दिया। अब तो लगता है इस जन्म में मुझे मेरा बेटा ही नहीं मिलेगा। हैव पेशेंस अंकल, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको आपका बेटा मिल जाए। वैसे दूसरा रास्ता भी है मेरे पास। कौन सा दूसरा रास्ता? अंकल मैं मेजर अंकल और उनकी पत्नी की आदतें उनके बेटे से मिलाऊंगी, उनकी आदतें तो उनके बेटे से मिलेंगी ही। मेजर की बीवी तो अस्पताल में ही चल बसी, अब मैं उसके आत्मा को तो नहीं ला सकता। अंकल मैं मेजर अंकल के करीब जाकर खुद जान लूंगी कि उनकी पत्नी की कौन कौन सी खास आदतें थी। जल्दी कर बेटी, मैं सालों से तड़प रहा हूँ, जल्दी से छानबीन कर और बता दे, ताकि मैं उस फटीचर मेजर और उसके बेटे को धक्के मार कर निकाल दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो घोड़ा आप देख रहे हैं कचरा उठा के, जानते हैं किस खानदान से? जाने तो भी कैसे। अरे मुझसे पूछे, मुझसे पूछे। किस खानदान से? बीच में मत बोलो। अरे इसके दादाजी पता है कौन थे? पुज डाको महाराज गब्बर सिंह थे। क्या? गब्बर सिंह। शोले ने देखी, शोले ने देखी आप लोगों ने?
जो डर गया वो मर गया। देखिए ना, हाँ, बहुत साल पहले की बात है, जब डॉक्टर गब्बर सिंह, डाकू गब्बर सिंह, अपनी शादी के लिए बारात लेकर डाकन पुतलन देवी के पास चले गए थे। पुतलन देवी? पुतलन देवी हो सकती है, पुतलन देवी नहीं हो सकती है। पुराने पुतले, बात को समझा करो कचरा उठा के। एनीवे, तो गब्बर सिंह शादी के लिए पुतलन देवी के घर गए। जब पुतलन देवी और गब्बर सिंह साथ फेरे ले रहे थे, तो गब्बर सिंह का घोड़ा, पुतलन देवी की घोड़ी, पुतलन जैसी सुंदर घोड़ी, वो भी साथ फेरे ले रहे थे। वहां गब्बर सिंह और पुतलन देवी स्वागत मना रहे थे, यहाँ घोड़ा और घोड़ी स्वागत मना रहे थे। बस इसी का नतीजा है ये। ये क्या हो रहा है जॉनी? आई एम सॉरी मैडम, वो क्या है कि सेठ लोग पीछे नहीं छोड़ रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे घोड़े की नस्ल क्या है, खानदान क्या है। मैं ऐसे बंडल मार रहा था कचरा उठा के। उठा अपना कचरा और भाग गया। माफ कीजिए, ये घोड़ा नहीं घोड़ी है, और कोई ऊंचे नस्ल की भी नहीं है। इसका मालिक दरिया किनारे बच्चों को इस पर बिठाकर घुमाने का धंधा करता था, और जब ये उसके काम की नहीं रही तो लावारिस बनाकर छोड़ दिया। ये जख्मी थी, मैं इसे अपने साथ ले आई, इसकी देखभाल की, मरहम पट्टी की, और इसे अपने पास ही रख लिया। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। अभी कुछ देर में आ जाएगी। सो सैड, इसकी दुख भरी कहानी सुनकर आप लोगों को रोना नहीं आया? मुझे तो मालूम है कि ये घोड़ी है, लेकिन मैं आप लोगों को देख रहा था, आपको पता है या नहीं, जब आप लोगों को पता नहीं कि घोड़ी क्या है, घोड़ा क्या है, तो घोड़ा खरीदने क्यों आते हैं? लोमड़ी खरीदिए, मुर्गी खरीदिए, कुत्ता खरीदिए, गधा खरीदिए। ऐसे ही ताजुब हो रहा है। देखो ना, एक लावारिस घोड़े पर रहम खाकर तुम उसे अपने साथ उठा लाएंगे, और बरसों पहले एक माँ ने एक लावारिस बच्चे को उस पर रहम खाकर अपने घर लाई, उसे दूध पिलाया, उसे पाल पोस के बड़ा किया, उस बच्चे को तुम घर से निकालने का प्लान बना रही हो। मैं कुछ समझी नहीं अंकल। तो बेटा, बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम इस घर में क्यों आई हो। तुम्हें महेश लेकर आया है। तुम सुरेंद्र और नरेंद्र में से किसी एक को गैर की औलाद साबित करके उस घर से निकालने आई हो। नहीं अंकल, मैं तो एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग कर रही हूँ। तालीम जानवरों की हासिल की हो, तजुर्बा इंसानों पे कर रही हो। अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर हो गया तो बहुत शोहरत मिलेगी तुमको, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। लेकिन उस नाम का अंजाम क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? वो बसा बसा घर उजड़ जाएगा। वो माँ जो उन दोनों बच्चों को अपनी औलाद समझती, अपना दिल समझती है, उस माँ का दिल टूट जाएगा। और वो दोनों बच्चे जो एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं, जिनकी रूहें प्यार के धागे से बंधी है, वो धागा टूट जाएगा। अरे जब इस दुनिया का बनाने वाला उन दोनों को मिलाना चाहता, तो तुम अलग करने वाली कौन होती हो? अगर वो उनको अलग करना चाहता तो पैदाइश के देने बच्चे की माँ को मौत क्यों देता? वो एक्सीडेंट क्यों होता? हॉस्पिटल में आग क्यों लगती? वो नर्स क्यों मर जाती? इसलिए कि कुदरत का बनाने वाला चाहता था कि वो दो बच्चे एक ही माँ के दामन में रहे। तो फिर तुम उन बच्चों को उस माँ के दामन से अलग करने वाली कौन होती हो? अंकल, क्या चाय? मेरे लिए? हाँ। वाह, इससे पहले तो तुम मेरे लिए कभी चाय लेकर नहीं आई। इससे पहले आपने भी तो मुझे इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी थी। आपकी शिक्षा ने मेरे जिंदगी का रंग ही बदल दिया है। थैंक यू वेरी मच अंकल, आई लव यू। आई लव यू टू। अरे ये क्या, तुम दोनों बारिश में क्यों भीग रहे हो? बीमार पड़ जाओगे। अरे मैडम, ये मौसम की पहली बरसात है, इसमें कोई बीमार नहीं होता, और वैसे भी हर इंसान को कभी ना कभी बरसात में भीगना ही चाहिए। हाँ, सही बोलता है। गरीबी का एहसास होता है। गरीबी का एहसास? अरे अमीर लोग तो बड़े बड़े घरों में रहकर धूप और बारिश से बच जाते हैं, पर गरीब वो बेचारे तो टूटी हुई छतों और पेड़ों के नीचे रहते हैं, वो इन बूंदों से नहीं बच पाते, अगर चाहे तो भी। पर तुम दोनों अमीरी गरीबी की बातें क्यों कर रहे हो? देखो क्या, हम दोनों में से एक अमीर बाप का बेटा है और एक गरीब बाप का। अब ये तो हम दोनों भी नहीं जानते कि कौन अमीर बाप का है, कौन गरीब बाप का, इसीलिए हम गरीबी से दूर कैसे रह सकते हैं? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तुम दोनों दिल के बहुत अमीर हो। हाँ।
कल जब किरण अपने घर चली जाएगी तो मुझे नहीं, मेरा मतलब है हम दोनों को ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत कीमती चीज अपने घर से चली गई हो। मिस नहीं करेंगे उसे, क्या हम रह पाएंगे उसके बिना? इसीलिए तो पिछले आधे घंटे से सोच रहा है और सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहा है। क्यों, किरण के जाने के बाद तुझे दुख नहीं होगा? अबे घनचक्कर, दुख तो उसको होता है जो अपने घर से बहुत दूर चले जाए। किरण जाएगी भी तो सिर्फ दो मोहल्ले दूर जाएगी, और वो भी अपने घर। और फिर सुधाकर अंकल, हां डैडी के कितने अच्छे दोस्त है, है कि नहीं? जब जी चाहे जाके किरण से मिल लेंगे। अरे मैं कहा परेशान हो रहा, देख चुपचाप सो जा यार। बात होती नहीं है, पतंगड़ बना के बैठ जाते खाना खा। दिल की बात कैसे समझाऊं इसको? भाई यार तू फिर शुरू हो गया, चिढ़ता क्यों है? नहीं अब क्या है, देख आज किरण अपनी दोस्त है, हम लोग कभी भी जाके उससे मिल सकते हैं। लेकिन कल की सोच यार, कल को उसकी शादी हो जाएगी, वो सुधाकर अंकल के घर से अपने पति के घर चली जाएगी, तब हम लोग क्या करेंगे? हाँ नहीं, पॉइंट है कि नहीं? हाँ। अरे यार शादी के बाद उसके पति को अपना दोस्त बना लेंगे और जब जी चाहे उसे घर पहुंचा करेंगे उसको मिलने के लिए। हाय अब क्या है यार, देख तूने कहा कि उसके पति से दोस्ती कर ले, चलो ठीक है दोस्ती कर ले। लेकिन सोचो यार, दो जवान लड़के रोज उसके घर में उसकी पत्नी से मिलने आते हैं। यार कभी ना कभी तो वो पूछेगा ना, चक्कर क्या है, कौन है ये दो जो तुमसे रोज रोज मिलने आते हैं? तभी हम क्या करेंगे यार, हमारी दोस्ती को वो शक की गंदी निगाह से देखने लगेगा। भाई ठीक नहीं होगा, हमें कुछ सोचना चाहिए। भाई भाई ये भाई है तबाही है, मैं इसको हाले दिल सुना रहा हूं और ये मुझे खर्राटे सुना रहा है। लीजिए भाई साहब ये लीजिए, ये पूरिया है। अरे आप खाइए तो इसे, आप कुछ खा ही नहीं रहे। ले रहा हूं, ले रहा हूं। और ये गाजर का हलवा रखा है और वहाँ समोसे रखे हैं। अच्छा। शुरू कीजिए। चलो सुमन जल्दी से नाश्ता दो, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। ये उबला हुआ अंडा। ये क्या है? आपका नाश्ता। नाश्ता? अरे वाह, जो आदमी दिन रात मेहनत करता है, इस घर का मालिक है, उसके नाश्ते में सिर्फ एक उबला हुआ अंडा, और जो आदमी 20 साल से इस घर में खा रहा है उसके प्लेट में पूरे मोहल्ले का नाश्ता। वो इसलिए भाई साहब कि ऊपर वाले ने दौलत और खाने का मुकद्दर अलग अलग कागजों पे लिखा हुआ है। जिसको दौलत ज्यादा देता है उसका खाना कम कर देता है, जिसको खाना ज्यादा देता है उसकी दौलत कम कर देता है। यकीन नहीं आता तो किसी दिन ऊपर वाला मिलेगा, खुद पूछ लेना। आप बैठिए, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? आपको तो डॉक्टर ने ज्यादा खाने से मना किया है, आपकी तो डाइटिंग चल रही है ना? मेरी डाइटिंग चल रही है और इनकी खाने से फाइटिंग चल रही है। अरे बाहर में गया नाश्ता। अरे सुनिए, दूध पीकर तो जाइए। सत्यानाश। गुड मॉर्निंग डैड। अरे काहे की गुड मॉर्निंग, मैं एक बहुत बड़े डीलिंग के लिए जा रहा था, तूने छींक मार के सत्यानाश कर दिया। सुनिए एक ग्लास पानी पीकर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे पानी पीने से क्या होगा? अब शकुन टल जाएगा। लीजिए। अरे अभी नहीं, अभी नहीं, पी लीजिए, पी लीजिए। हाँ अब शकुन टल गया। मॉर्निंग मॉम, मॉर्निंग डैड। बाय। हो गया सवा सत्यानाश, अब तो होने वाला काम भी नहीं होगा। नहीं नहीं, काम तो तुम्हारा हो गया। तुमने इनकी छींकों पर गौर किया? यहाँ छींक करके छींका, यहाँ छींक छींक करके छींका। अपनी छींकों से इनकी छींकों को मिलाकर देखो, हो सकता है इनकी छींकों में तुम तुम्हारा बेटा मिल जाए। सुमन ये हमेशा मुझे छेड़ता रहता है, मैं इसका मर्डर कर दूंगा। अरे आप चाहिए, आपको दे रहा हूं, चाहिए। ये लीजिए, ये लीजिए। फिर पानी, अब पानी पीऊंगा तो पेट फट जाएगा, है ना? तो ये वहम निकाल दीजिए दिमाग से और भगवान का नाम लेकर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ओके। तुम लोग क्यों छींक रहे हो? बरसात भीग गए थे। कमाल करते हो तुम लोग। अब यही रुको, मैं गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती हूँ। बेटी मैंने तुझे इन लोगों की जिंदगी में झांकने को कहा था, इनके साथ छींकने को नहीं कहा था। आंटी जी मैं भी आपके साथ किचन में चलती हूँ। किरण उन दोनों के साथ तुम भी शरारत में शामिल हो गई। अरे अपने जैसा ही शरारती बना लेंगे वो तुझे। अच्छी देखा, इसीलिए कह रही हूँ उन दोनों से जरा दूरी रहा करो। नहीं नहीं आंटी जी, वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं। आज तक मुझे जिंदगी में हंसी खुशी के साथ जीने का कोई ढंग ही नहीं आता था, लेकिन इन दोनों के साथ रहकर मैंने ये भी सीख लिया है।
तो फिर ऐसी हंसी खुशी के साथ इस घर में आ जाओ। जी मैं समझी नहीं आंटी। मेरा मतलब है बेटी बनकर इस घर में आई हो, बहू बनकर इसी घर में रह जाओ। क्यों मेरी बात पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये बताओ कि मेरे राम लक्ष्मण में से तुम्हें ज्यादा कौन अच्छा लगता है? दोनों बहुत ही अच्छे हैं, चुनना बड़ा मुश्किल है। अच्छा देख ये चुनना तेरा प्रॉब्लम है, मुझे तो बस बहू चाहिए।
रिश्ता नया किसी से दिल का नहीं था सुबह तक जुबान पर किसी का ना नहीं था सुबह तक नहीं इस सुने दिल में कोई नहीं था सुबह तक ऐतराज है? नहीं नहीं ऐतराज की क्या बात है वो तो मेरे दोस्त की बेटी है बहुत अच्छी लड़की है लेकिन इतनी जल्दी क्या है अभी तो उनके खेलने कूदने के दिन है और खेलने कूदने के दिनों में तो हम दोनों ने भी शादी की थी ना की थी लेकिन हाँ मैंने किरण से पूछ भी लिया हाँ, कि हमारे दोनों बेटों में से उसे जो भी पसंद आए मुझे बता दे ताकि मैं उसके साथ उसकी शादी कर दूंगी लेकिन अपने बेटे नहीं मानेंगे क्योंकि वो मेरे बेटे हैं अपनी माँ की बात कभी नहीं टालेंगे हाँ लेकिन मैंने फैसला कर लिया है किरण इस घर की बहू बनकर आएगी आपकी फाइल हे भगवान मैंने जिंदगी में तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा ये जो बेटा मांगा वो भी मेरी बीवी ने मांगा मैंने नहीं मांगा तूने एक के बजाय दो दो बेटे दे दिए और उन्होंने मुझे सारी जिंदगी एक उलझन में डालकर रख दिया है मैं उस उलझे हुए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं भगवान तो तू मेरे सामने और उलझने खड़ी कर रहा है देखना अभी बेटे का मामला सुलझा नहीं तो बहू का मामला खड़ा हो गया अरे कम से कम ये तो पता चले कि मेरा बेटा कौन सा है तभी तो उसकी शादी करके अपनी बहू को घर ले आऊंगा नहीं तो पता चला किसी दूसरे के बेटे की शादी करा दी और किसी गैर की बहू मेरे घर चली आ रही है महेश अरे सुधाकर बिल्कुल मौके पर आ गया तू वेलकम कब आया लंदन से अभी सीधा एयरपोर्ट से तेरे घर ही आ रहा हूँ अच्छा, अच्छा। घर भी नहीं गया हाँ। सोचा किरण को अपने साथ ले जाऊं फौरन मैं भी यही चाहता हूँ ए किरण बेटी देखो कौन आया तुम्हारे डैडी आए हाय डैड हाय बेटी बेचारी किरण रोज तुम्हें याद कर रही थी कहती थी कि डैडी कब आएंगे मैं यहाँ बोर हो गई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल मैं कब पापा को रोज रोज याद करती थी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ आप उल्टी बात कर रहे हैं और फिर अकेले होने की क्या बात है यहाँ अंकल है आंटी है नरेन है और सुरेन भी है इन लोगों के बीच ऐसे मन लग गया है कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता अरे कैसी फिजूल की बातें कर रही है जा जल्दी से अपना सामान ला और अपने डैडी के साथ घर जा बेचारा दो महीने के बाद आया है और तू उसके साथ घर जाने का नाम ही नहीं ले रही है जा जा सामान ला बेटी सामान ला जा क्या बात है महेश तू मेरी बेटी को अपने घर से भगा रहा है क्या नहीं नहीं भगा नहीं रहा हूँ बाप को बेटी से मिला रहा हूँ जा बेटी सामान ला किरण अरे
भाई साहब। नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसे हैं आप? कब आए? बस अभी सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। अरे जाजा, तैयार होकर आजा। एक मिनट, किरण को तैयार होने के लिए क्यों कह रहे हो? ये कहीं जा रही है? अरे उसका बाप आया है उसको ले जाने के लिए, तो जाएगी नहीं? ऐसे कैसे जाएगी? क्यों भाई साहब, ये किरण का घर नहीं है। भाभी वही तो मैं कह रहा हूँ, अब लंदन में 2 महीने रहा हूँ, वहाँ का विदेशी खाना खा खा के दिमाग खराब हो गया है। आपके हाथ की गर्मा गर्म कचौरी खाए बहुत दिन हो गए, बना के लाइए ना। अभी लाती हूँ। अरे कमाल है, उसका बाप आया इतने दिनों के बाद उसको ले जाने के लिए, और तू खामखा उनको मना कर रही हो, बाप को बेटी से जुदा कर रही हो। हो गया आपका? इसमें जुदाई की कोई बात नहीं है, 2 कदम पर तो घर है भाई साहब का। जब भी बेटी की याद आएगी मिलने आ जाया करेंगे, और वैसे भी लड़की तो पराई अमानत होती है, बाप को एक ना एक दिन उसकी जुदाई का गम सहना ही पड़ता है। तुम क्या अभी से बाप को बेटी की जुदाई की रिहर्सल करवा रही हो? सुधाकर तू जा, बेधड़क जा अपनी बेटी को लेकर, मैं देखता हूँ तुझे कौन रोकता है, जा बेधड़क जा। सुधाकर भाई। अरे मेजर साहब, वेलकम बैक टू इंडिया, वेलकम। अरे मेजर साहब, कहाँ थे आप? अरे साहब, भाई आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया, जन दिनों में सबका दिल जीत लिया। इसको तो हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तू फिर बीच में बोला, फिर बीच में बोला, हम दोनों दोस्तों के बीच में बोलने वाला तू कौन है? महेश भाई, आप हैं बड़े मतलबी, अपने मतलब के लिए किरण को खुद इस घर में लेकर आए, और जब मतलब निकल गया तो खुद ऐसे इस घर से भगा भी रहे हैं। मेरा क्या मतलब, क्या मतलब था मेरा? बतला दूंगा तो पोल खुल जाएगी सबके सामने। पोल? कैसी पोल? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसी मजाक कर रहा था। मैं कह रहा था कि हम सबका दिल लग गया किरण से, अगर वो चली जाएगी तो घर में उदासी छा जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी को हर किस नहीं लेके जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ रहे या मेरे पास रहे। लेकिन फिर भी किरण की क्या मर्जी है पूछ लेते हैं, क्यों बेटी? पापा अगर सब यही चाहते हैं तो मैं भी यही चाहती हूँ। सुधाकर तू इधर आ जा। अरे 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 इधर आ जा। अरे यार सुधाकर, तू मुझे क्यों उलझन में डाल रहा है? कैसी उलझन? अरे तू अपनी बेटी को वापस क्यों नहीं लेकर जाता? मगर क्यों? अरे यार कैसे बताऊं, तेरी भाभी किरण को बहू बनाने के सपने देख रही है। रियली? हाँ। अरे ये तो कमाल हो गया। अरे मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, मैं अभी आया। अरे सुन यार सुधाकर, मैं भी चाहता हूँ कि किरण बहू बनकर मेरे घर में आ जाए, लेकिन ये बता कि किरण इस घर में किस लिए आई थी? इसलिए कि वह सुरेंद्र और नरेंद्र दोनों में से ये फैसला कर सके कि तुम्हारा बेटा कौन सा है। करेक्ट, परक के दोस्ती करके है क्या? नहीं तो क्या किरण ने अभी तक ये तय नहीं किया? अरे फ्लॉप है वो, बिल्कुल फ्लॉप। और उधर वो सुमन फैसला कर बैठी है कि मैं जल्द से जल्द किरण को इस घर में बहू बनाकर लाऊंगी। अच्छा, और मैं चाहता हूँ। तुम्हें चुनने का अधिकार दिया है, लेकिन मुझे तुम्हें चूमने का परमिशन चाहिए। क्यों? भाई माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अपने आप से इतना प्यार? वो एक्चुअली मैं लिपस्टिक का कलर देख रही थी। अच्छा चलो तैयार हो जाओ। क्यों? सुरेन को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुरेन? जरूरी बात? भाई ऐसा बंद कर, काम की बात कर। तो मालूम पड़ेगा। चेयर्स। क्या हुआ, तुम लोग पी नहीं रहे हो? मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? क्या? नहीं मेरा मतलब है कि हमारी दोस्ती का ट्रायंगल है, और दोस्ती में जो बात दिल में हो वो जुबा पे तो होनी चाहिए ना। मगर मुझे लगता है कि जो हमारे दिल में और जो तुम्हारे दिल में वो तुम्हारी जुबा पे नहीं है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे विस्की। अब देखो ना, मैं और ये तो विस्की पी रहे हैं और आप कोक पी रही। मतलब हमारे दिल में कुछ और है और आपके दिल में कुछ और। कोक से दिल का क्या लेना देना? लगता है आपके दिल और हमारे दिल के ख्यालात कुछ मिलते जुलते नहीं है। हाँ
इस गिलास के साथ काफी नाइंसाफी हुई। अब बोलो, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे ना? बताओ ना, क्या कहना चाह रहे थे? अरे ठहरो यार, सारे गिलास तो तुमने खाली कर दिए, हम क्या खा पिएंगे? वेटर, वन लार्ज प्लीज। टू लार्ज प्लीज। थ्री लार्ज प्लीज। एक्चुअली फोर लार्ज। अरे दोस्ती जो निभानी है यार। क्या कर रहे हैं? मगर तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे ना? मैं तुमसे ये शर्मा था क्यों है? सुरेन कह रहा था कि वो तुम्हारे डैडी आ गए हैं लंदन से और तुम हम दोनों को छोड़ के अपने घर चली जाओगी। बस ऐसे ही है। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं कौन सा जापान जा रही हूँ? मैं तो बस यही हूँ, इसी शहर में, तुम्हारे बिल्कुल करीब। और इसे जाना थोड़ी कहते हैं। अरे हाँ, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे ना? बताओ ना, क्या कहना चाह रहे थे? मैं तुमसे यही कहना चाह रहा था किरण। अरे अपना चंदू है नी, उसने घर में नौकरानी रखा था, नौकरानी प्रेग्नेंट हो गई, उसके साथ शादी करना पड़ा। वो देखो किरण, अभी पिछले हफ्ते ही चंदू का खत आया था, अभी नौकरानी घर में आराम करती है सेठानी की तरह, और चंदू बर्तन साफ करता है। तुमको जाके नमस्ते बोल कर आओ। इतनी सी बात? और क्या, अभी क्या कराए। जाली वाला कपड़ा बना ना, उसको दुबई में एक्सपोर्ट करेगा नी, उधर बहुत गर्मी है ना, तो उधर माल ज्यादा चलेगा तेरा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा नी। नमस्ते अंकल। तू चुप रे, मैंने कितनी बार मना किया, मेरे साथ मजाक मत करो। मजाक कहाँ कर रही हूँ अंकल, मैं तो सिर्फ नमस्ते कर रही हूँ। अरे नमस्ते गया बाहर में, एक कैसा होटल है, एक छोकरी मवाली होकर हमको डिस्टर्ब करती है। आप मवाली किसको कह रहे? लड़कियों को मवाली कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे लड़कियों की बेवे की तरह दारू पीती है, झूले की तरह झूलती रहती है, तेरे को शर्म नहीं आती? अरे अंकल, दारू पीने के बाद भी नमस्ते तो किया ना। अरे चुप। अब आप ही बताइए एयरपोर्ट अंकल, मैं इनको कुछ बुरा बोली? मैं तो सिर्फ नमस्ते कर रही। अरे चुप। और ये खामखा मुझ पर भड़क रहे हैं। अरे बाबा इशनानी, अभी जाने दो ना, अभी ये लड़की तुम्हारे पास बेचारा इतना प्यार से है कि तुमको नमस्ते बोल रहा है, और तुम भी। अरे तू भी चालू हो गया। अरे नमस्ते से मेरी खोपड़ी का छपरा उड़ जाता है नी, मेरे को नमस्ते नहीं बोलने का। अरे अरे ये तो गई गान। अरे हाथ तो दीजिए। अरे गिरेगी क्या करती है? एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ये जो अंकल है ना यहाँ पर, ये एक बहुत महान आदमी है, इन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे किए हैं, और सरकार इनको इन कारनामों के लिए एक बड़ा इनाम देने जा रही है। मैं इसलिए आप सबका फर्ज बनता है इन अंकल को नमस्ते बोलते जाए। नमस्ते अंकल। नमस्ते। 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 नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। घोड़े तू जल्दी से काला हो जाएगा। नमस्कार। अरे जाओ माँ जी जाओ, काय को नमस्ते, जाओ ना। नमस्ते अंकल। अरे जाना, अरे जाना, मैं पागल हो जाएगा, मैं पागल हो जाएगा, मैं पागल हो। अंकल नमस्ते। अच्छा तो ये आग तुम दोनों की लगाई हुई है, और ये घोड़े वाली तुम दोनों का साथ दे रही है दारू पी के। अरे दो बाप की औलाद, तुम दोनों को मैंने एक बाप की औलाद बनाया नहीं, तो मेरा नाम क्या है? नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नहीं राजू इस्लानी, ए कालिया चल, नहीं तो तेरे को अफ्रीका एक्सपोर्ट कर देगा, पागल हो जाएगा, तू भी पागल हो जाएगा, चल सब पागल। हाँ तो भाई नरेन, भाई सुरेन, अपना प्लान कामयाब हुआ। अब ये घर जाएगा और माँ से इसकी शिकायत करेगा, और माँ ने जो इसे बहू बनाने का सपना देख रखा है वो टूट जाएगा। मिशन
अकम्प्लिश्ड। मेरे को पागल ये अंदर किधर जाता है? भिखारी कहेगा, अंदर जाके भीख मांगेगा क्या? तू भी मेरे को भिखारी समझता है? मैं बाजू वाले बंगले का मालिक है, पहचाना नहीं मेरे को? इस नानी से? नमस्ते अंकल। अरे किधर है दो दो छोकरा लोगों का, दो दो बाप किधर है? किधर है दो दो बाप? अरे क्या छीछी करता है? अरे दो दो बाप होकर तुम लोग अपनी औलाद पर काबू नहीं पा सकता है तो काय को पैदा किया? समझ में आया कि नहीं? आया, आया। इधर आओ। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? इधर देखो, ये हुआ है। किसने किया ये? अरे तुम्हारा छोकरा लोग ने किया है। अरे दोनों छोकरों ने मिलकर उस छोकरी को डट के दारू पिलाया, फिर उसको चलाया, अरे बड़ी होटल में मेरा फजीता उड़ाया। अरे तुम सबको मैंने जेल में नहीं भेजा ना तो मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम क्या है बाबा? नमस्ते। नमस्ते। इसे क्या हो गया था? इतना चिल्ला क्यों रहा था? कुछ नहीं, पागल है, अक्सर ऐसे ही करते रहता है। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग चले। चलिए चलिए। तो मिस्टर चटर्जी, बाकी बातें हम ऑफिस में बैठकर तय कर लेते। ठीक है, नमस्ते। 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 अंकल। चल चल। ए ठहराओ। जी डैडी। डैडी कहाँ गए थे तुम दोनों? हम तो समरकंद होटल गए थे डैडी। समरकंद होटल गए? हाँ। साथ में किरण को भी लेकर गए? वहाँ शराब पिलाई तुम दोनों ने उसको? नहीं डैडी, वो खुद पी रही थी। हाँ, हाँ, खुद। और उस शरीफ इंसान को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या हालत बना रखी है तुम दोनों ने उसकी? अरे बोलते क्यों नहीं? डैडी आपके डांटने का टाइम खत्म हो गया। आप अगर हाके किसी को डांटने का तो वो माँ माँ को है। आप माँ को बुलाइए। सुमन सुमन सुमन। बहन जी घर में नहीं है, वो सत्यनारायण की पूजा में गई है, आने में कुछ देर लगेगी। क्या यार, माँ को भी आज ही सत्यनारायण की पूजा में जाना था यार। सारी मेहनत और केक कराए पे पानी फिर गया। क्या सुरेन को मुझसे कुछ कहना था। नहीं। किरण को मां की नजरों से गिराने के लिए अब एक नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। तरकीब तो सोचनी ही पड़ेगी, मां उसे इस घर की बहू बनाना चाहती है। पर हमारी मां को क्या पता कि जिसे वो अपनी बहू बनाना चाहती है वही हमें अपनी मां से अलग करके हमारे दिलों का बंटवारा करना चाहती है। लेकिन किरण ये नहीं जानती है कि जिस दिल में हमने उसको अपना सच्चा दोस्त बनाकर बिठाया है हम उसी दिल में उसके लिए नफरत भी पैदा कर सकते हैं। सुबह सुबह किसी को कुछ बताए बिना चुपके से घर छोड़कर कहाँ जा रही हो? बोलो बेटी। अंकल, आपकी शिक्षा पर अमल करके मैंने उनके दिलों में झांक कर देखा। वाकई क्या महान दिल है उनके। मैं उनके बहुत करीब पहुंच भी गई थी लेकिन मेरी बदकिस्मती, तब तक उन्हें पता चल गया कि मैं इस घर में क्या करने आई थी। हालांकि मैं वो काम भूल भी चुकी थी अंकल, बट इट्स माय लक।
तब तक उनके दिलों में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई, ऐसी नफरत जिसका मैं ना बेटे, बस बस बेटे। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं बेटा नहीं, मुझे जाने दीजिए। ना, ना बेटा नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं बेटा, मुझे मत रोकिए, आपको मेरी कसम। ये ले। अच्छा, सुबह नाश्ते से पहले एक एपेक शराब हो जाए बच्चों, मतलब रात की उतर चुकी होगी ना, तो सुरूर को बरकरार रखने के लिए अगर एक एक पैक हो जाए तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। डैडी, आप अपने बेटों से शराब पीने के लिए कह रहे हैं? क्यों नहीं, जब मेरे बेटे एक भोली भाली मासूम लड़की को अपनी माँ की नजरों में गिराने के लिए शराब पिला सकते हैं, तो क्या ये बाप अपने बेटों को एक एक पैक शराब नहीं पिला सकता? मामूली बात है भाई। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? इन दोनों ने किरण को शराब पिलाई? हाँ बहन जी, हमारे इन सपूतों ने किरण को शराब पिलाई और वो उसका दिल टूट गया, वो ये घर छोड़ के चली गई। क्या? क्यों रे? ये क्या हरकत की तुम दोनों ने? क्यों शराब पिलाई उसको? एक मिनट बहन जी, ये सवाल इनसे पूछने से पहले आप यही सवाल अपने पति देव से पूछिए, इनको सब मालूम है। मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, आपको कुछ नहीं मालूम? पहले तो भूस में चिंगारी फेंक दिया, जब आग लग गई तो दूर से खड़ो के तमाशा देख रहे हैं। किरण को इस घर में कौन लाया? आप ना? उसे ये मालूम करवाने के लिए कि इन दोनों में से आपका बेटा कौन सा और मेरा बेटा कौन सा है? हैं? चुपके चुपके इतनी बड़ी चाल चली आपने, मेरे ममता के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचाया आपने, मेरे प्यार का बंटवारा करना चाहते थे आप? आप तो सारी जिंदगी भर चिटपट करते रहे और मैं पागलों से मजाक समझती रही। एक बात सुनिए, ये दोनों बेटे मेरी दो आंखें हैं, इनको मेरे चेहरे से जुदा करना चाहते आप? चेहरे से आंखें जुदा हो सकती हैं, लेकिन एक मां के मन से उसकी ममता कभी जुदा नहीं हो सकती। कभी एक बार ये तो सोच लेते कि इस बात का तुम्हारी बीवी को पता चलता तो उसके दिल पर क्या बीतती, कभी सोचा आपने? सोचा है, पिछले 20 साल से सोच रहा हूं, लेकिन तुमने कभी सोचा कि पिछले 20 साल से मेरे मन पर क्या बीत रही है? दूसरों के औलाद को सीने से लगाने से वो अपनी नहीं हो जाती, किसी दूसरे के शरीर का हिस्सा अपने शरीर को जोड़ने से वो हिस्सा अपने शरीर का हिस्सा नहीं बन जाता, वो सिर्फ कपड़ों की तरह अपने शरीर से चिपका हुआ रहता है। औलाद अगर घर से दूर भी होती है तो मन को ये तसल्ली होती है कि एक न एक दिन वो जरूर घर आएगी, मैं जी भर कर उसे देखूंगा, बेटा कहकर सीने से लगाऊंगा। मगर यहाँ 20 साल से औलाद घर में है और मुझे पता नहीं कि मेरी कौन सी है, किसको मैं बेटा कहकर सीने से लगाऊं, कब तक मैं दुनिया से नजरें छिपाता फिरूं? अब मुझे हर एक की नजर में सुबह शाम सिर्फ यही सवाल नजर आता है कि मिल गया तुम्हारा बेटा, और अब मेरी नजर में उनको जवाब देने की और उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए बस। एक मिनट भाई साहब, आपके सवाल का जवाब है मेरे पास, इन तमाम बातों का एक तरीका है और ये 20 साल की झंझट आज खत्म कर देते हैं, बल्कि अभी खत्म कर देते हैं। आप एक काम कीजिए, इन दोनों में से किसी एक के सर पर हाथ रखकर कह दीजिए कि ये आपका बेटा है, किसी एक को बेटा मान लीजिए और दूसरे को मैं यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? बस बहन जी, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही, ऐसी बात उन्होंने पहले कभी नहीं कही थी, और जब बात हुई है तो फैसला हो ही जाना चाहिए। आपकी शर्त है ना कि आपको अपना ही बेटा चाहिए? जी हाँ। तो ले लीजिए बेटा, लेकिन उसके साथ साथ मेरी भी एक शर्त है, बेटों के बंटवारे के साथ साथ आपको एक चीज का और बंटवारा करना होगा। किसका बंटवारा? इस हवेली का, दौलत का, जायदाद का, हर चीज का बंटवारा। अच्छा,
सुना तुमने? सुना सुमन, ये मेजर क्या कह रहा है? आखिर गद्दार की आरजू उसके जुबा पर आ ही गई। ये मेजर पिछले 20 साल से इस घर में अपने बेटे के लिए नहीं बैठा है, बल्कि ये हवेली, ये जायदाद, ये दौलत हड़प करने के लिए चोर की तरह घुसा हुआ है। आगे एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। अरे तुम्हारी दौलत तुमको सलामत हो, मैं सारी जिंदगी गरीब था, भिखारी था, भिखारी रहूंगा। जिंदगी के आखिरी दिनों में तुम्हारी दौलत लेकर क्या करूंगा? फिर बंटवारे की बात क्यों कर रहे हो? आ रहा हूँ, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। इन दोनों बेटों में से बंटवारा करने के बाद एक बेटा तुम लोगे और एक बेटा मुझे दोगे, दोगे ना? और अगर कल तुम्हें पता चले कि जो बेटा तुमने मेरे हवाले किया वो मेरा नहीं है बल्कि वो तुम्हारा है, तब बर्दाश्त होगा तुमसे? तुमको ये पता चले कि वो भिखारी की कुटिया में गरीब की जिंदगी गुजार रहा है, क्या बीतेगी तुम्हारे दिल पर? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा भले मेरे साथ रहे, लेकिन एक बड़े बाप की औलाद बनकर रहे, एक इज्जतदार बाप की औलाद बनकर रहे, एक गरीब बाप की भिखारी औलाद बनकर न रहे। इसीलिए मैं बंटवारे की बात कर रहा था। भाई साहब, भगवान से प्रार्थना कीजिए ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी ना आए कि मैं जीते जी अपने बच्चों से जुदा हो जाऊं। मैं तो एक बाप होकर, एक मर्द होकर इनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप तो मां हैं, आपने इन बच्चों को दूध पिलाकर इनको बड़ा किया है, आप इनकी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? लेकिन सबसे पहले इन दोनों को सजा तो देनी पड़ेगी। इधर आप, ये किसका आइडिया था किरण को शराब पिलाकर बहन जी की नजरों में गिराने का? डैडी, ये मेरा आइडिया था। तो जाओ अभी जाकर किरण से माफी मांगो, और जब तक वो माफ ना करे मुझे अपना मुंह मत दिखाना। जाओ। लेकिन पहले मैं माँ से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि किरण के साथ साथ मैंने माँ का भी बहुत दिल दुखाया। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं जानता हूं मैंने बहुत दुख दिया है तुझे। देख, मैं अपने कानों को हाथ लगा के तुझसे क्षमा मांग रहा हूं, मुझे माफ कर दे। भाई, खबरदार उसे रोका दो। माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए, आप खामखा सिर्फ उस पे चिल्ला रहे हैं। बकवास कर रहा है तू? जितना कसूर उसका उतना कसूर मेरा भी है। तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? आपने बताने का मौका कहां दिया? बस चिल्लाए जा रहे हैं उस पे। ठीक है, वो माफी मांग कर आ जाए तो फिर तू भी जाकर किरण के सामने नाक रगड़ करके माफी मांगना। जख्मों से कहीं ज्यादा गहरे, फिर भी अगर तुम मुझे माफ कर सको तो। ये जख्म इतना गहरा नहीं जिसे तुम ना भर सको। तुम्हारे जख्मों को भरने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ किरण। तुम्हारी जान ना मांगू, दिल मांगू तो? Thank you.
शबनम के मोती जैसे नाजुक है राह वफा। तितली के पंखों जैसी शबनम के मोती जैसी नाजुक है राह वफा। घर से बिना बोले चली आई थी, अब मैं उस घर में तब कदम रखूंगी जब तुम मुझे डोली में बिठाकर दुल्हन के रूप में ले जाओगे। ओके, आई लव यू। अरे बाबा, ऐसा नहीं, थोड़ा स्टाइल से खड़ा रहे हो ना, फूल को ऐसा रखो, ऐसा स्टाइल से खड़ा रहे हो। तुमको मालूम है प्यार और फोटोग्राफी दोनों अंधेरे में डेवलप होता है, कुछ समझ में आया? अच्छा अच्छा, मैं बाद में समझाएगा नहीं, थोड़ा स्माइल रखो, बाकी मैं संभाल लेगा। अरे ऐसा गंदा स्माइल नहीं बाबा, थोड़ा प्यार से स्माइल दो ना। हाँ करेक्ट है, हाँ थोड़ा ऐसा 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 खड़ा रहो। हाँ अरे किधर गई तुम? अरे छोकरी किधर भी गायब हो जाती है। अरे अरे ये लोग बीच में किधर से आ गए? अच्छा हुआ आज के दिन मेरे को नमस्ते अंकल नहीं बोला। भाई किरण को नहीं ला पाएगा,
इतनी देर हो गई और किरण भाई के साथ आएगी नहीं। माँ मैं जाता हूँ और मिनटों में उसको लेके आता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी भाई के साथ वो नहीं आएगी और तेरे साथ आएगी, वो कैसे? माँ हमारी स्टाइल ही कुछ और है, हमारी बात ही कुछ स्पेशल है, हमारा समझाने का तरीका ही कुछ और है। अच्छा, ऐसी कौन सी स्टाइल है तेरी, ऐसी कौन सी स्पेशल बात है तेरे अंदर, बता। तू कुछ छुपा रहा है? पकड़ लिया ना। माँ मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। माँ मैं किरण से प्यार करता हूँ। सच? तू सचमुच किरण से प्यार करता है? पहली बार मैंने किसी लड़की से इतना प्यार किया। तेरी कसम माँ, मैं उसे बेहद प्यार करता हूँ और इसी प्यार की भाषा से उसे समझाऊंगा और वापस ले आऊंगा। अब मैं यूं गया और यूं समझा के वापस लाया। अब मैं जाऊं? जा। ये ले लो, भाई आ गया। मैंने बोला था ना किरण इसके साथ नहीं आएगी, देखा? क्यों, अभी देखो कैसे मुंह लटका के खड़ा हुआ है। हम बुलाएं और वो ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और फिर एक किरण विरण हमारे सामने की चीज है, मैंने उसको झट से बोला, वो फट से मान गई। अच्छा, और क्या। अबे बुद्धू, जब मैंने तेरा नाम लिया तो वो मानी? माँ मैंने किरण को मनाने की इतनी कोशिश की, लेकिन नहीं। वो मैं तो अब उस घर में तभी कदम रखूंगी जब नरेन मुझे मनाने के लिए आएगा। मैंने कहा वाह बेटा नरेन, तुमने तो अच्छी खासी किरण पे जादू चला के रख दिया। माँ बहुत बदमाश हो गया, इसको सुधारना पड़ेगा। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? पर वो सब क्या, और तूने माँ को क्यों नहीं बताया? नहीं, माँ तो तेरी सहेली है, तेरी दोस्त है, तू माँ से कुछ नहीं छुपाता। नॉनसेंस पर्सन। लेकिन किरण की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भाई? अरे पागल, इतना उतावला मत हो, वो तुझसे कोई खुदकुशी करने के लिए नहीं कह रही है। माँ किरण का कहना है कि वो उस घर में तभी आएगी जब उल्लू का पट्टा उसको दुल्हन बना के लेकर आएगा। अरे शादी करेगा उससे? करेगा शादी? हाँ करेगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरे घर को बस रोशनी से चकाचौंध कर दो, दिए जलाओ, मिठाइयां बांटो, सारे शहर को बता दो कि आज मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया है। ए भाई, गले तो लग जा मेरे भाई, आजा आजा आजा। ओह गॉड, भाई यू आर ग्रेट, भाई यू आर ग्रेट। चाबी कहाँ है? ए भाई, चाबी देना यार, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। तेरा जरूरी काम क्या है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। किरण से मिलने जा रहा है ना तू? मालूम है तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है। चाबी दे। अरे ए भाई, चाबी देना यार, चाबी। इस चाबी के लिए मैं तुझे वैसे ही तरसाऊंगा जैसे तूने मुझे तरसाया था अपने प्यार के बारे में बताने के लिए, याद है ना? सुन, देख, मैंने तुझे बताने की कोशिश किया, अब तू सो गया तो मेरी क्या गलती है? ले चाबी दे। रात को सोया था लेकिन सुबह तो उठ गया था ना, सुबह बोलता मुझे। यार गलती हो गई यार, माफ कर दे, ले चाबी दे। अच्छा, तो तू अपनी गलती मानता है? हाँ मानता हूँ। तो फिर अपनी सजा भी सुन ले। शादी से पहले ना तो आप किरण से मिलेंगे और ना ही किरण आपसे। क्यों 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 क्यों? वो इसीलिए क्योंकि किरण भी इस पूरे चक्कर में बराबरी की हिस्सेदार है और मैं उससे भी बात कर चुका हूँ और वो मान भी गई है। क्या? मोहब्बत का यही हासिल कि यादें ही बने कातिल, ख्यालों पर तुम छाए बहुत याराए, बहुत याराए। तुम्हारी गहरी पलकें वो उनमें प्यारी, साए बहुत याराए, बहुत याराए।
महेश भाभी एक साथ अचानक तो क्या करें, आप अपने दिल की बात तो कहेंगे नहीं, इसलिए हमें ही पहल करनी पड़ी। भाई साहब, हम किरण बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। सच? तुम शराब पी रहे हो? कभी कभी दिल की बात को जुबां पे लाने के लिए शराब का सहारा तो लेना ही पड़ता है ना किरण। क्या बात है जिसे कहने के लिए तुम्हें अचानक शराब का सहारा लेना पड़ा? I love you, किरण। महेश, यार ये तो बताया ही नहीं कि किस लड़के के साथ। नरेन के साथ। आउच। ये क्या कर रहे हो तुम? प्यार कर रहा हूँ। आज सारी हदें बुला के एक दूसरे में खो जाते किरण। मुझे रोको मत किरण। ये प्यार नहीं, वासना है सुरेन। मैं तो उस प्यार को मानता हूँ किरण, जो बगैर किसी आग के, बगैर किसी बंधन के और बगैर किसी फेरों के होता है, जैसा कि आज तुम्हारे और मेरे बीच में होने वाला। पागल हो गए तुम? अगर तुम इसे पागलपन कहती हो तो पागल ही सही। मेरे यार के बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी है, शहर देखता रह जाएगा। आ, 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 आ,
बेटी, क्या बात है, क्या हुआ? डैडी, सुरेंद्र, क्या हो रहा है ये? इतनी खूबसूरत जवान बेटी को बगल में रख के एक जवान लड़के से पूछ रहे हो कि क्या हो रहा है? कमीज बेहया! गाली नहीं देना, गाली देना मुझको भी आता है। तू मुझे गाली देगा? सुरेंद्र, मुझे हाथ लगाया ना तो पेट फाड़ दूंगा तेरा। बदतमीज, तू अपने बाप पे हाथ उठाएगा? पहले फैसला तो होने दे कि मेरा बाप है कौन। बड़ा नाश था ना तुम्हें इस पर, अपनी आंखों का तारा समझती थी इसे। ये अपनी औलाद नहीं है, उस फटीचर मेजर की औलाद है। हाँ, मैं उस मेजर की औलाद हूँ और तुम लोग मेरे कुछ नहीं लगते। क्या मैं भी तेरी कुछ नहीं लगती? नहीं, तुम भी मेरी कुछ नहीं लगती। तुमने मुझे प्यार दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मौका लगा तो उसी कीमत में तुम्हें चुका दूंगा। वाह बेटे वाह, जिसे मैं अनमोल कहती रही वही मेरे प्यार का मोल लगा रहा है। तुम दोनों को एक जैसा प्यार दिया मैंने, कभी फर्क नहीं किया तुम दोनों में। ओ, तो तुम्हारी मजबूरी थी, तुम खुद नहीं जानती थी कि तुम्हारा असली बेटा कौन सा है। और उसी मजबूरी की वजह से मैं तुम्हें और तुम्हारे उस फटीचर मेजर को बर्दाश्त करता रहा। आज के बाद तुम या वो फटीचर मेजर मेरे घर में नजर आए तो मैं गोली मार दूंगा। गेट आउट। अरे सुरेंद्र, सुना नहीं वो बुड्ढा क्या कह रहा है? बंद करो ये प्यार का नाटक, और तू भी अपना नाटक बंद कर। हाँ, ये सब दुनियादारी की बातें छोड़ो और मेरे साथ आजा, ऐश करेंगे। I hate you. अरे ये सब ढोंग है, असलियत तो ये है कि तू मुझ पे मरती है, मरती है तू मुझ पे। अगर मैं यहाँ से गया ना तो सारे बंधन तोड़ के भागी भागी आएगी तू मेरे पीछे। देखना चाहते हो? क्या दिखाएगी? क्या दिखाएगी? मैंने नरेन के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगा लिया है। ये तुम्हारी गलतफहमी और हर बेहुदा सवाल का जवाब है। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। सुनिए, घर में कदम रखने से पहले आप एक मिनट मेरे साथ चलिए। देवी माँ के सामने आप मुझे एक वचन दीजिए, आज जो भी कुछ हुआ उसका जिक्र आप नरेन से नहीं करेंगे। वो सुरेन से बहुत प्यार करता है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नरेंद्र के दिल में सुरेंद्र के लिए जो प्यार है वो नफरत में नहीं बदलना चाहिए। वादा कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं नरेन से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम भी एक वादा करो, आज के बाद सुरेन नाम का चिराग इस घर में नहीं जलेगा। क्या? ये अपना सामान लपेटो और निकल जाओ यहां से। दोबारा तुम या तुम्हारा वो बेटा सुरेन नजर आया ना तो मैं गोली मार दूंगा। आज उसने ये साबित कर दिया कि वो मेरा नहीं तुम्हारा खून है, तुम्हारा। ए, देख क्या रहे, जाओ काम करो। तुम्हारे उस कमजोर बेटे ने किरण, जिसकी शादी हम नरेंद्र से करना चाहते हैं, शराब पीकर उसकी इज्जत पर हाथ डाला, और जब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो मुझ पर हाथ उठाया। इससे पहले कि इस वारदात का बदला मैं तुमसे लूं, तुम खामोशी के साथ यहां से चले जाओ।
बेशरम, बेहया, तेरा खून इतना सफेद हो गया कि तूने शराब पीकर किरण की आबरू पे, अरे तूने अपनी माँ पे हाथ उठाया, वो इंसान जिसने सारी जिंदगी तुझे औलाद की तरह पाला, तूने उसको गालियां दी, उसको धक्के दिए, जवाब दे वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा, जवाब दे। खून कर दीजिए डैड, मार डालिए। जिस औलाद को आप जैसा डैड नहीं पहचान सका, उसे जीने का कोई हक नहीं। क्या मतलब है तेरा? आप क्या समझते कि मैंने शराब पी के किरण की इज्जत पे सचमुच हाथ डाला? क्या मेरा खून इतना सफेद हो गया डैडी कि जिस माँ की एक खुशी के लिए मैं अपनी पूरी जान कुर्बान कर सकता हूं, मैं उस पे हाथ उठाऊंगा? तो तुझे सब करने की क्या जरूरत थी? मैं आपकी सर की कसम खा के कहता हूं डैडी, ये सब एक नाटक था। मैंने अपने आप को खुद को दुनिया की नजरों से गिराने के लिए दिखावा किया था डैडी। खुद को दुनिया की नजरों में गिराने का दिखावा? लेकिन क्यों डैडी? डैडी, डैडी, आपने सुरेन को घर से क्यों निकाला? क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि सुरेन मेरा बेटा नहीं है। ऐसा कौन सा नया सिक्का मिल गया जिसकी चितपट ने आपको यह बता दिया कि सुरेन आपका बेटा नहीं है? मेरे तजुर्बे ने, वो 20 साल का तजुर्बा जो मैंने अपने बीवी और बच्चों के बीच में गुजारा है, इससे ज्यादा तुम्हें बताने की मैं जरूरत नहीं समझता। आपको बच्चों का तजुर्बा कब से होने लगा डैड? आप तो जिंदगी भर इस उधेड़ बुन में लगे रहे कि हम दोनों में से आपका बेटा कौन सा है। हमें आपसे कभी प्यार नहीं मिला डैड, हमें प्यार मिला तो मां से। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ये फैसला करें कि हम दोनों में से आपका बेटा कौन सा है। ये अधिकार अगर किसी को है तो वो मां को है, जिसकी कोख से हम दोनों में से एक ने जन्म लिया। मां अगर मुझे एक बार कह देना कि सुरेंद्र उसका बेटा नहीं है, मैं मान लूंगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं सुरेंद्र को इस घर में लाकर ही रहूंगा। बहादुर है मेरे बेटे, जिंदगी की असली जंग का सिपाही तो तू है यार, क्योंकि दुश्मनों से जंग लड़ना बहुत आसान है, मगर ये दिलों की जंग लड़ना, प्यार की, फर्ज की, मोहब्बत की, इनकी जंग लड़ना बहुत मुश्किल है। वो इंसान के बस की बात नहीं है बेटा, वो जंग तू जीत गया। एक बहादुर सिपाही की तरह तूने अपने प्यार को अपने भाई पर कुर्बान कर दिया, और ये रिटायर्ड मेजर इस सिपाही को, जीते हुए सिपाही को सलाम करता है। I salute you, my son. Excuse me, सुरेंद्र नाम का कोई? जी इसमें तो नहीं है। जो कहे मां
दुनिया क्या है, मैं भगवान भी छोड़ दूं, मुझको धर्म ईमान जैसी सुधाकर, मैं बहुत परेशानी में पड़ गया हूं। जब से उन दोनों को घर से बाहर निकाला है, सुमन गुमसुम सी रहती है और नरेन उन दोनों को ढूंढने में लगा हुआ है। परेशान मत हो महेश, देख शादी की तारीख नजदीक आ रही है, एक बार शादी हो जाएगी ना सब ठीक हो जाएगा। बहू घर में आएगी तो भाभी का भी मन लग जाएगा और धीरे धीरे नरेंद्र सब भूल जाएगा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मां सुरेन नहीं है, खुशी मनाने का दिल नहीं करता। तो तुझे क्या लगता है मेरा मन करता है? मेरे एक बेटे के बगैर इस घर में शहनाइयां गूंज रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन शहनाइयों की आवाजें छुरी बनकर मेरा कलेजा काट रही है। मगर क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है। और फिर किरण के बारे में सोचो, सारे मेहमान आ चुके हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो किरण का क्या होगा? चलो बेटे जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, चलो उठो। आइए 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 मिश्रा जी, नमस्ते। अरे आइए आइए, नमस्ते। मुबारक हो महेश सेठ, मुबारक हो, क्या रंगारंग महफिल जमाया है पापा। आइए आइए ईशानी सेठ, हेलो। आपके आने से तो महफिल में चार चांद लग गए। लेकिन ये चांद ज्यादा देर इधर टिकने वाला नहीं है। अच्छा? एक अर्जेंट काम से आज शाम की फ्लाइट से मैं हांगकांग जा रहा है नी। अभी क्या है कि पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है नी कि बच्चों को आशीर्वाद देते जाऊं, ये गिफ्ट दे के मैं निकल जाएगा। ऐसा ऐसा ही। अरे बाबा शादी मुबारक हो, झूले लाल तेरे को 100 बच्चों का बाप बनावे। ये लो तोहफा, लो बाबा ये स्पेशल तोहफा है। हाँ, तू भी मेरे को क्या याद करेगा। मैं हांगकांग से आने के बाद तेरे को फोन करेगा। सब अरे क्या कहता है, अरे तो फिर उधर दूल्हा कौन है? आज की दुनिया में भाई भाई का गला काटता है। तूने अपने भाई की खातिर अपना प्यार, अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया। अरे बेटा, ये देखकर तो दिल करता है मैं तेरे पैर छू लूं। अंकल क्या कर रहे हैं आप? अंकल ये राज सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए, किसी और को पता लग गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बेटा मेरे हाथ से एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक? मैंने एक दिन गिरा और किरण का फोटो उतारा था, उसको बड़ा करके शादी के तोहफे के रूप में नरेन के हाथ में दे दिया। मेरा बहन, नमस्ते नमस्ते। मौसी नहीं आई? अच्छा। मैंने दिया। आइए आइए आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आधा बेटी आइए 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 आइए। अंकल 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 ये देखो। ओम रामदेवता पे नमः स्वाहा, कन्या को बुलाइए। आइए बैठिए। अरे भाई चल, मैंने आ गई भैया। Thank you.
क्या छुपा के ले जा रहे हो? अपने गुनाहों के सबूत? ताकि किसी को यह ना पता चले कि शादी के पहले किरण और तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे। अपनी जुबान पर काबू रख नरेंद्र। मां, तू ऐसी लड़की को बहू बनाना चाहती जिसका दामन गंदा हो? क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा मां, ये देख, ये देख, ये इसका सबूत। एक औरत जो गैर मर्द की बाहू में बेशर्म की तरह लिपटी हो, ऐसी लड़की एक इज्जतदार घर की बाहू नहीं बन सकती मां। मैं शादी नहीं करूंगा। नरेन, तू गलत समझ रहे हैं। नरेन, मैं क्या गलत समझ रहा हूं? तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसके दामन में दाग लगा हो। दाग? नहीं, मैंने उसे छुआ तक नहीं है। उस दिन झूठ मूठ शराब के नशे में मैंने उसकी इज्जत पे हाथ डाला। यह सिवाय एक नाटक और कुछ नहीं था। कुछ नहीं। तो तूने शराब पीने का, किरण की इज्जत पे हाथ डालने का नाटक किया था? हा? क्यों किया था? क्या जरूरत थी ये करने की? बोल। नहीं बोल सकता ना? मैं बताता हूं तुझे। तूने ये नाटक इसलिए किया ताकि मुझे मेरा प्यार मिल सके। अरे हकीकत तो ये है कि तू किरण से प्यार करता है और किरण तुझसे, और इसका सबूत है ये तस्वीर और किरण की आंसू भरी आंखें। तो अगर एक बार खुले दिल से मुझे कह देता कि नरेन किरण मुझसे प्यार करती और मैं किरण से, तेरे सर की कसम भाई, एक पल में मैं अपना प्यार तेरे प्यार के लिए कुर्बान कर देता। तैयार हो जा, तेरी शादी है आज। नरेन, तू गलती कर रहा है। नाटक इसने उस दिन नहीं किया था, आज कर रहा है अपनी शराफत दिखाकर, क्योंकि इसे और इसके बाप को हराम का खाने की आदत पड़ गई है। लेकिन इस घर से बाहर जाकर जब भूख से मरने लगे, तब अपने शैतानी चेहरे पर शराफत का नकाब पहनकर फिर से धोखा देने आ गए हैं। एक मिनट, आज सुरेन यहां आया है, इसका मतलब मेरे भाई साहब भी यहाँ जरूर आए होंगे। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, यहाँ आइए भाई साहब, यहाँ आइए भाई साहब, यहाँ आइए भाई साहब, आज यहाँ आपकी सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा भाई साहब। आपको अपने बहन की कसम, बहन की कसम, बहन की, इन बच्चों की कसम, यहाँ आ जाइए भाई साहब, आ जाइए भाई साहब, आ जाइए भाई साहब, आ जाइए भाई साहब, आ जाइए भाई साहब। भाई साहब, 20 बरस पहले आपको मैंने कसम देकर आपके मुंह पर ताला लगा दिया था, वो कसम आज मैं तोड़ती हूँ। नहीं भाई साहब, 20 बरस से जो राज आपने अपने सीने में छुपा कर रखा है, उस राज को बोल दीजिए भाई साहब, भाई साहब। इस औरत को पहचानते हैं आप? ये तस्वीर तुम्हारे पास कहां से आई? 24 साल पहले तुमने इस औरत से प्यार का ढोंग किया था, क्योंकि 24 साल पहले तुम अपनी बीवी से मायूस हो गए थे कि ये कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हारे खानदान को वारिस का सुख नहीं दे सकती, तो तुमने इसके साथ प्यार का नाटक किया, दुनिया से छुपा कर इसके साथ कन्दर विवाह किया। फिर अचानक एक दिन तुम्हें पता चला कि तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है, तो तुम खुशी से पागल हो गए और तुमने फौरन ही दुखियाली से रिश्ता तोड़ लिया। मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरी पत्नी तो वो है जिससे 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी। क्या? हाँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर आपने मुझसे भी तो शादी की है। ना भगवान तुम्हारी गवाही देने इस दुनिया में आएगा और ना कानून तुम्हारे इस विवाह को मानेगा। गमों से घबरा कर ये बेचारी आत्महत्या करने गई।
अरे 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 छोड़ मुझे मर जाने दीजिए भैया, मुझे मर जाने दीजिए। ये दागदार जिंदगी लेकर और मैं जीना नहीं चाहती। औरत की आबरू में कलंक लग जाए उससे अच्छा है कि उसकी चिता में आग लग जाए। नहीं बहन, तो कोई भी ऐसा आ रहा नहीं है। अरे तेरा भाई अभी जिंदा है, तेरे सर की कसम मैंने उसकी जिंदगी को चिता ना बना दिया और चिता में सारी जिंदगी आग ना लगाता रहा। मैं तेरा भाई नहीं, तेरे बच्चे को हक मैं दिलाऊंगा, और जब तक नहीं दिलाऊंगा ये दुनिया से नहीं जाऊंगा। ये एक भाई का अपनी बहन से वादा है। भैया मैं सेठ, आपको जितना जुल्म करना था वो तो आपने कर लिया, मगर उसका इंसाफ अभी बाकी था। उसको मेरे बहन की आंसुओं की कीमत आपसे वसूल करनी थी। भगवान किसी रूप में आएंगे और मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। मेरे पेट में जो बल रहा है उसे इंसाफ दिलवाएंगे। मेरा तुम पर श्राप है। जिस आग में मैं जल रही हूँ उसी आग में तुम जिंदगी भर जलोगे। कभी चैन से नहीं बैठ पाओगे, कभी नहीं, कभी नहीं। इसीलिए इत्तेफाक से जिस अस्पताल में सुमन बहन दाखिल थी मेरी बहन भी वही दाखिल हो गई, और फिर दोनों ने एक ही दिन बच्चों को जन्म भी दिया। फिर उसके बाद मेरी बहन को दुनिया से उठा लिया। उसके बाद अस्पताल में आग लग गई। वो नर्स जो बच्चों के बारे में सब कुछ जानती थी वो आग में जल गई, मगर एक नर्स जिंदा रही जिसको ये मालूम था कि तुम्हारा बच्चा कौन सा और मेरी बहन ने किस बच्चे को जन्म दिया है। आपके बच्चे को मैं पहचानती हूँ, लादू आपका बच्चा। नहीं नहीं लाना नहीं, मेरे बच्चे को वहीं रहने दो। उस बच्चे की माँ पर बहुत जुल्म हुए, वो घुट घुट के मर गई, उसको उसका अधिकार नहीं मिला। मैं उसके बच्चे को उसका अधिकार दिलाना चाहता हूँ। मैं तुमसे हाथ छोड़कर विनती करता हूँ कि राज किसी को मत बताना। मैं वादा करती हूँ आपसे। 20 साल पहले मैं तुमसे बदला लेने तुम्हारे घर आया था, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मेरी सुमन बहन से मुलाकात हो गई। इन्होंने मेरी कहानी सुनी, इसके बाद मेरे सामने हाथ जोड़ा, मुझे मेरी बहन की कसम दी, उसके बच्चे की कसम दी, और मुझसे कहा कि मैं राज तुम पर कभी जहर न होने दूं कि सुरेंद्र को इन्होंने जन्म दिया है, नरेंद्र को मेरी बहन ने जन्म दिया है। मैंने बहन की कसम की मान रखी, अपनी जबान को ताला लगा और आज तक तुमसे एक लफ्ज नहीं कहा। मगर सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि ये महान औरत 20 साल से तुम्हारे हर गुनाह की जानकारी रखती है, तुम्हारे हर राज से वाकिफ है। सुमन, सुमन मुझे माफ कर दो। अरे क्या कर रहे हैं आप? अब मेरे पति हैं और एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि उसके पति का सर उसके सामने शर्म से झुक जाए। इसीलिए मैंने 20 साल से ये राज अपने सीने में छुपाए रखा था। मुझे माफ कर दीजिए। सुमन, मैंने तुम सब लोगों के साथ इतनी ज्यादती की और तुम मुझसे ही माफी मांग रही हो। हाँ, क्योंकि एक राज आपने मुझसे छुपाए रखा, एक राज मैंने आपसे छुपाए रखा। हालांकि पति और पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। देखा भाई, तू अपनी जिंदगी से कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा था। अरे तू इस घर का बेटा है, इस खानदान का वारिस है, और तू मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। मैं तो उस घर का कुछ भी नहीं हूं यार, ये घर तेरा है, यहां से तो हमें जाना चाहिए। चलिए बाबूजी। नहीं नरेन, जिस घर में तू नहीं रहेगा मैं भी वहां नहीं रहूंगी। वाह, मैं तेरे साथ चलूंगी। और जहां मेरी माँ नहीं वहां मेरा भगवान नहीं, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा भाई। चल माँ। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे इतनी कड़ी सजा मत दो। मैं तुम सबका गुनहगार हूं, तुम जो भी सजा दोगे मैं हंसकर सह लूंगा।
लेकिन लेकिन इस घर को छोड़कर मत जाओ सुरेन। भाई साहब रुक जाइए, भाई साहब आप ऐसे खुशी के मौके पर हम सबको छोड़कर कहां जा रहे हैं? भाई साहब मैं ये जानता हूं कि महेश आपका कसूरवार है, सुमन जब भी तुम्हें भाई साहब कहकर पुकारती थी तो मेरे तन मन में आग लग जाती थी, लेकिन आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हें भाई साहब कहकर गले लग जाऊं। प्लीज भाई साहब। अरे बस करो बाबा, कितना टाइम खाओगे? शादी का शुभ घड़ी तो मत खाओ। अरे उधर पंडितों को देखो, अग्नि के आजू बाजू बैठकर पसीना पसीना हो गया है, ऐसा लगता है अभी स्नान करके आया है। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। क्या बोला? मेरा मतलब है थैंक यू अंकल।